अच्छा, आज हमने एग्रीकल्चर के स्ट्रक्चर पे जाना है, ठीक, और फिर उसी स्ट्रक्चर को अप्लाई करते हुए साथ साथ इश्यूज देखे कौन से हैं रीसेंट, वेरी रीसेंट इश्यूज। कुछ तो लॉन्ग टर्म इश्यूज है ना, वो तो चलते ही आ रहे हैं, सम आर वेरी रीसेंट इश्यूज, समटाइम्स यू कैन सी फिक्स देम अप, इट्स नॉट एवरी टाइम। ओके, सो एग्रीकल्चर, अब कल हमारा ज्यादातर वर्कआउट का डिमांड सप्लाई है, नहीं आज हमारा वर्कआउट रहेगा फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस। लेट्स लुक एट इट दिस वे, आई एम गोइंग टू से बैकवर्ड लिंकेजेस, दैट इज एवरीथिंग प्री हार्वेस्ट, एवरीथिंग प्री हार्वेस्ट। यस, हियर आई एम गोइंग टू लुक एट फॉरवर्ड लिंकेजेस, so everything post harvest, that's what we're going to consider as forward linkages, and in between guiding both of them is policy. Guiding both of them is policy. Okay, so now look at the backward linkages. Let's start with the first one, inputs. What are the inputs in agriculture? So land is an input, yes sir, aapne wo dekha apna table jo document mein agriculture handout mein sabse pehle bana hua, us handout mein humne timeline ke accordingly dekha ki kis time pe India mein agriculture mein kaun se issues aa rahe hain aur government ne kya kya initiatives liye, wo dekh liya dhyan se। एक तो वो एक होलिस्टिक कवरेज है, वो टाइमलाइन बेस्ड कवरेज है एग्रीकल्चर, ठीक है। अच्छा, एनी हाउ लैंड बीइंग एन इनपुट, अब इंडिया में इसका ट्रबल क्या है, इश्यू एरियाज क्या है, होल्डिंग साइज, दिस इज द फर्स्ट, फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है ना। दूसरा इश्यू क्या है लैंड के साथ रिलेटेड, टेनेंसी लॉ, बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स का एक पार्ट एंड पार्सल जो बचा हुआ है, दैट इज द टेनेंसी लॉ है ना। तो नीति आयोग का भी लैंड लीजिंग लॉ है ना, सो लैंड लीजिंग लॉ रिसेंट नीति आयोग इंटरवेंशन, तो उसमें मैंने डाला हुआ था डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर और लैंड को लेके क्या इश्यूज है, लैंड डिग्रेडेशन, don't forget your geography, yeah, so land degradation or degradation ke sath associated for topics hain, first irresponsiveness, aap fertilizer dal rahe ho, aap pesticide dal rahe ho, ultimately jo productivity hai wo nahi badh rahi, to irresponsive to whatever inputs you are giving, you are adding fertilizer, the soil has become irresponsive, it is not responding, yeah, productivity is still the same, you are making sure there is irrigation, still it is becoming irresponsive, why, because it has been over exploited, so land as a resource or soil as a resource has been over exploited, exploitation, theek, acha, fir land usage patterns, land usage patterns, how are you using your agricultural land, are you cultivating it for crops, are you using it for livestock, are you using it for fishery, are you using it for some kind of infrastructure at your farm level, so land usage, then land ownership, ownership ka concern yahan pe kisse hai, sometimes we talk in terms of female, that is the gender equation in land ownership, correct, to India mein agar aap dekhoge to sirf 12% agricultural land hai jo females own karti hai, theek hai na, so only 12% with females, aur ye 12% bhi kaun si hai jo small size lands hai, ye double equation, it's a
उसने एक इंटरप्ट क्लियरली विजिबल ओके ओनली 12% इज विद फीमेल्स एंड दिस टू द स्मॉल साइज लैंडलॉर्ड मार्जिनल एंड स्मॉल साइज लैंडलॉर्ड ठीक है फीमेल लेबर फोर्स अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर में वो तो जबरदस्त है बहुत ज्यादा है लेकिन फिर और लैंड को लेकर क्या इशू आता है लैंड कन्वर्जन लेट्स से यू वांट टू क्विट फार्मिंग एंड पुट एन इंडस्ट्री देयर नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसीजरल प्रॉब्लम यस और नो देयर इज लॉट ऑफ फी प्रोसीजरल प्लस अफोर्डेबिलिटी ये दो एस्पेक्ट्स यहां पे आते ही आते हैं जब हम लैंड कन्वर्जन की बात करते हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर पर्पस टू कमर्शियल पर्पस फॉर एग्जांपल तो आप प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कराते हो बीच में बहुत जबरदस्त प्रोसेस इन्वॉल्व है ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है करप्शन भी है फीस भी है डिलेज भी है सब कुछ है पंजाब में जो मास्टर प्लान बना है वो सिर्फ गमाडा के एरियाज के अंदर है जो गमाडा में बाकी सब में नहीं क्योंकि इनको तो ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ही करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन ना तो ये पहले से प्री प्लान है कि ये वाले का ये बनेगा ये वाले का ये बनेगा लेकिन बाकी जगह मैं बात कर रहा हूँ पैन इंडिया आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुमाडा तो चल गया आप कहां से बोल रहे अच्छा और लैंड के साथ कौन से है लैंड एक्विजिशन जब हम पब्लिक पर्पस के लिए भी करते हैं तो लैंड एक्विजिशन लॉ दिस इज अगेन एन इशू विद लैंड So, exhausting like this, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, there are 8 issues with land which are associated, just with land. Okay? So, jab bhi agriculture ki baat karo, aur usme land ki baat ho, chahe puchha ek gya ho, chahe puchha ek gya ho, dikhane saare. Dikhane kaise? आपको इनके बारे में पता है कि चलो दिस इज द पार्शियल लिमिटेशन द अदर लिमिटेशंस विद द लैंड आर दीस बिकॉज ऑफ व्हिच दिस पार्शियल लिमिटेशन बिकम्स इवन मोर क्रिटिकल क्वेश्चन चाहे आपको आए लैंड लीजिंग लॉ पे नीचे आए है ना तो आप उसको एड्रेस तो करोगे लेकिन साथ में ये भी दिखाओगे इसके बिना वो क्वेश्चन अपने आप में इनकम्प्लीट रहेगा क्वेश्चन आए लैंड एक्विजिशन पे ये भी दिखाओगे अब लैंड से जुड़ी हुई तीन बातें कौन सी हैं? ये तो इश्यूज हैं। तीन बातें कौन सी हैं? पहला तो एक ट्रेडिशनल ओनरशिप लिनिएज कल्चरल टाइप सो इट्स अ कल्चरल बॉन्ड और टाइप कुछ तैनी जमीन होता है ना दूसरा कौन सा टाइप है दूसरा कौन सा टाइप है जो रोजमर्रा की आपका उस लैंड के साथ एक रिश्ता था आप वहां पे काम करते हो जाके खेती करते हो रहते हो कुछ भी सो योर पर्टिकुलर रिहैबिलिटेशन और हैबिलिटेशन यस ऑन सो वन अनदर टाइप इज हैबिलिटेशन व्हेन यू से रिहैबिलिटेट व्हाट डज इट मीन दैट पर्सन इज बीइंग रिलोकेटेड टू सम अनदर लैंड अब उसको वहां पे दोबारा से सारा कुछ सेट करना पड़ेगा दैट इज रिहैबिलिटेशन ठीक है Then, third aspect, of course, there is an economic linkage. So there is a, for example, एक farmer है, उसकी आपने ज़मीन acquire करी, पैसे भी दे दिए उसको, जितने चाहिए थे। आपने सिर्फ एक linkage का हल किया, वो थी economic. जो habilitation और cultural aspect था, उसका आप हल नहीं कर सकते। उसके लिए हमारा land acquisition law का नाम बड़ा कर दिया गया। Land acquisition Rehabilitation and Resettlement Law. यही बनाया गया तीन aspects बोले Acquisition, Rehabilitation and Resettlement. अब वो सिर्फ habilitation तक ही सीमित है फिर भी यहां तक Cultural types फिर भी गड़बड़ कर जाती तभी जाके ट्राइबल लैंड में एक और इश्यू आता है जो आमतौर पर और जगह नहीं आता तभी जाके सुप्रीम कोर्ट बोलता है इसको नहीं छेड़ना ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर आता है बाकी जिसको मर्जी छेड़ते हो तभी जाके उसके लिए शेड्यूल 5 और 6 अलग से बनता है ज्यूरिसडिक्शन अलग से है बाकी सब नहीं क्योंकि उनकी कल्चरल टाइज तो बहुत स्ट्रांग है
किसान तो कहीं भी खेती कर सकता है, पर इनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, वो जंगल में रहना, समझ आ रहा है? तो टिंडू लीव कलेक्शन और ये सब बहुत बड़े इशू थे बैक इन द टाइम. क्यों? ये कल्चरल टैक्स. अब बेसिकली इन सबकी जरूरत है, जितने भी है ना, इन सबकी जरूरत है हमें. किस एस्पेक्ट के लिए जरूरत है? ये सब इश्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? Why are they important? Single development point of view. For development, all this is the centrality. So these are basically the means, and this is the end, and this is something it should first justify while going from means to end. Cultural ties, economic ties, habilitation ties. It must justify before going to the end or coming to any conclusion. चाहे वो market के level पे हो, चाहे वो state के level पे हो, ये उसको करना पड़ेगा. तो कोई भी question land related आ रहा है, तो ये करना. ठीक है? One. Now I'm moving to second input. Today others of आप भी ना इसको प्लीज ऐसे मत चलाना, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. बाद में यहाँ पे हाईलाइट कर लेना बाकी. लेट्स से नेक्स्ट टाइम वी विल टू टेक अप इरिगेशन, सो आपके लिए तो जगह नहीं बचेगी. इस तरह चलोगे, सिर्फ इरिगेशन यहाँ मेंशन करो, आगे नीचे लिख देना. इरिगेशन के बारे में सोचना है तो सबसे पहले तो ये सोचिए, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच, इश्यूज, सॉल्यूशन. So what is irrigation? So you have different kind of mechanisms involved. You've got micro irrigation, you've got macro irrigation. Two kinds, huh? Essentially. So we got two kinds of mechanisms involved. Macro and micro. Yes or no? Most of the focus today is on micro. Why? Because costs are less. That's why it is affordable. Yes. Second factor for you to choose between one mechanism over the other is efficiency. Ek to starting cost, initiating cost, uske baad water use efficiency. Teesra, what is the third factor? Availability. Availability. Some things are naturally available. Availability. Chopper. Skills. अब skill के ना रहते ही पहले macro पे development हुआ था. अब धीरे-धीरे skill आ रही है तो micro पे जा रहे हैं. पहले लोग इतना बुद्धिजीवी नहीं होते थे कि वो सोच पाते. तो that's why we are moving towards micro now. फिर what else? Suitability. Technology. What else? Sustainability. Suitability. Very good. We cannot use. And last is sustainability. Suitability and sustainability. Suitability mein we cannot use micro irrigation for rice and juice. Yeah. We can only use macro there. If you're telling him, you have to think in this perspective. Suitability, sustainability. अब जब भी इरिगेशन पे कोई क्वेश्चन आ जाए, व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन टेक्निक्स शुड बी यूज्ड, व्हाई आर इंडियंस नॉट अडॉप्टिंग इट, व्हाट इज द प्रॉब्लम. सो थिंक इन दीज डायमेंशंस. थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. डज द फार्मर हैव सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट, और द गवर्नमेंट इज गोइंग टू कम अप विद द कॉस्ट, और व्हाट पार्ट इज गोइंग टू बी द डिविजन. थिंक इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी.
ठीक है इसके थ्रू करेंगे, लेकिन उस क्रॉप को लेके उसकी एफिशिएंसी क्या है, जैसे राइस मैन्युफैक्चरिंग, राइट? देन व्हाट इज द अवेलेबिलिटी? आप नॉर्थ ईस्ट में बोलोगे माइक्रो इरिगेशन करना है, कितना मुश्किल है? माउंटेन एरिया में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फर्स्ट गेट ऑल द गैजेट्स एंड एवरीथिंग एंड देन वर्क इट आउट, बिकॉज इट्स एन इकोसिस्टम विद इन विच माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स कैन वर्क। कल भी हमने बात किया था, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको ग्रिड सिस्टम चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। So it's availability of the ecosystem, not just the particular machinery you need. Availability of ecosystem. Then skill. People should know how to use it. Technology. Suitability. Sustainability. इस dimensions में आप सोचोगे आपके answer की number पक्के हैं। The structure. कल मैंने आपको लंबा चौड़ा तो बहुत दे दिया। Points हैं आपके पास। You have the material, you don't need रट्टा मारना अभी, क्योंकि टाइमली वहां पे रट्टा बजेगा हर चीज को। सिर्फ आपको ये dimensions याद रखें, इनके आप acronyms बना लेना end of the day, ठीक है? कि जब कभी irrigation पे question आएगा micro पे तो मुझे कैसे handle करना है। micro macro दोनों इसी में चलेंगे, dimensions यही है सबकी, ठीक है? चाहे macro की हो चाहे micro की हो, dimensions यही है। तो आपने बस उस टाइम पे इसी लेवल पे इसको जज करना, क्वेश्चन कभी भी आ जाता है। यू आर बिल्डिंग अ डैम, यू आर बिल्डिंग एनीथिंग। नाउ व्हेन इरिगेशन, सो व्हेन आई टॉकिंग अबाउट व्हेन इरिगेशन, व्हाट एम आई टॉकिंग? प्लानिंग। व्हाट लेवल ऑफ प्लानिंग? ग्राउंड लेवल प्लानिंग। इट्स नॉट सेंट्रलाइज्ड, जैसे आपके कावेरी वाटर डिस्प्यूट या सतलुज वाटर डिस्प्यूट या एनी काइंड ऑफ वाटर डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स, यस। सो क्यों होता है? क्योंकि ग्राउंड लेवल प्लानिंग कहीं ना कहीं मिसिंग होती है। व्हेन द वाटर इज टू बी रिलीज्ड, हाउ मच द वाटर इज टू बी रिलीज्ड फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर, इट्स अ बिग डील, बिकॉज दिस प्लान्स द इरिगेशन एट द ग्राउंड लेवल। सो प्लानिंग एट ग्राउंड लेवल और प्लानिंग के लिए क्या चाहिए होता है? बॉटम अप या टॉप डाउन? अभी दो ही तरह से होती है, बॉटम अप या टॉप डाउन। बॉटम अप हुआ तो ठीक रहेगा क्योंकि सबकी आवाज सुनी जाएगी, टॉप डाउन हुआ तो हमेशा गड़बड़ाएगी, कोई ना कोई छूट जाएगा, वो चलाता रहेगा, मैं तो सुनी हूं। सो दिस इज प्लानिंग। सो व्हेन के केस में प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सारा जो इरीगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है हैंडल कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट्स करके अपने लेवल पे, इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक बात है? अब स्टेट गवर्नमेंट का प्लान दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ अलाइनमेंट जरूरी है। अब ये अलाइनमेंट अगर बॉटम अप हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, टॉप डाउन रहा मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए, एक वाटर डिस्प्यूट बॉडी ने ऑर्डर दे दिए, फिर हमेशा मुश्किल ही रहेगी, आया ना? जैसे बड़ी बार एक पेरियार मुल्ला पेरियार डैम आता रहता है, पेरियार रिवर इशू केरला, यू नो, सो ऑल दीज इश्यूज कम अप बिकॉज द प्लानिंग इज नॉट बॉटम अप, इट्स नॉट वेल कोऑर्डिनेटेड। इफ यू वांट टू राइट समथिंग एल्स, इट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल कंसर्न, कलेक्टिव कोऑर्डिनेशन, दैट्स द व्हेन पार्ट, ओके? देन वेयर इरिगेशन। Now we already know from geography that in North India there are what kind of rivers? Perennial rivers. The North Indian platform is like this. थोड़ा सा पंजाब की साइड में ऐसे, थोड़ा सा ईस्ट की साइड में इस तरह से, तो बहुत अच्छा सा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपका बनता। लेकिन जैसे ही आप नीचे जाते हैं साउथ में तो सारी की सारी जो टिल्ट है वो इस तरह से, बॉटम प्लेट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट, सो यू गॉट मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग वेस्ट टू ईस्ट, yes or no? In the southern India, in the northern India, though still you got westward flowing rivers. In southern India, they're very less or hardly they have much water flow. ठीक बात है? अब इसकी वजह से जो western states हैं, उनको पानी की crisis हमेशा आती है, मराठवाड़ा, driest regions, etc. etc. Yes. So when you talk of irrigation, what you're talking about is assuring irrigation. Yes or no? You're not talking about availability, we are talking about assurance, because it's important part of agriculture planning.
ठीक बात है. सो आई शुड बी एबल टू wherever assurance is needed, that's where I need to build my irrigation infrastructure. So wherever assurance is needed, wherever it is not needed, don't go on building irrigation infrastructure, because you are then spoiling habits. You are then spoiling habits, जैसे पंजाब में हो रखा है ना. नॉर्थ वेल्ट में क्या हुआ, एश्योरेंस वॉज नॉट नीडेड, दे केप्ट ऑन बिल्डिंग इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, द ट्यूब वेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट लेड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन. साउथ में एश्योरेंस वॉज नीडेड, बट ओनली फ्यू इरीगेशन प्रोजेक्ट्स वर बिल्ट. अब नर्मदा बचाओ आंदोलन की वजह से कितने स्टेट्स का नुकसान हुआ, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बनने में कितना टाइम लग गया, नहीं तो कब का कंप्लीट हो जाता, 1970 में कभी शुरू किया गया था, 70s में, अब जाके खत्म हुआ 2018 में. तो ये assurances needed, ये हमारा core context है. अगर आप unnecessarily बनाते चले जाते हो irrigation infrastructure, उस जगह में जहाँ already है, people will want to exploit water. ठीक? So otherwise exploitation. उन्हें who should be able to earn more money? It's like asking this. The one who doesn't have it, he will take care of the money. He will know where to spend, where to invest. The one who has it, if he is able to make more money, he will waste it. फिर वो consumerism में ज़्यादा जाएगा, investment में कम जाएगा. Definite है ना? तो economy में भी ऐसा ही है और agriculture में भी ऐसा ही है. जिसके पास नहीं है उसको दोगे वो संभाल संभाल के रखेगा. आया ना? चाहे वो पानी है, चाहे वो कोई भी रिसोर्स है. जिसके पास ऑलरेडी बहुत है और उसको आप दही चले जा रहे हो और वो क्या करेगा, वेस्ट ही करेगा. सो इट्स नीड बेस्ड एसेंशियली. ठीक है? सो व्हेनेवर इज एश्योरेंस इज नीडेड, यू मस्ट गिव इरिगेशन. ओके, देन व्हाई इरिगेशन? ये तो आपकी प्रोडक्टिविटी का एस्पेक्ट है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी, बिकॉज मॉनसून इज एन इशू. Crop productivity versus monsoon, erratic, and every characteristic that you have. So यहाँ पे तो इस equation में तो यही बातें डालनी दो ही. ठीक है? फिर how much irrigation? This depends upon your cropping pattern. Definitely. So the deciding factor is cropping pattern. If you are after sugarcane, if you are after rice, definitely you need too much. If you are after pulses, if you are after soybean like things, then accordingly it will be judged. So always when how much is the question, you have to talk about cropping pattern. Then issues. What are the issues in irrigation? Over exploitation, salinity of water, good. Declining water tables, good. Or lack of declining underground water table. Or kya hai? Salinity. और क्या है? Pollution. Water pollution. और क्या है? Go on. Monsoon and climate change. Then what else? Salinity. Or जो सर्फ वगैरह कुछ मिक्स हो जाता है, ग्रीन भी आ जाती है, दैट्स यूट्रोफिकेशन. सो दैट्स पोल्यूशन इशू. देन व्हाट एल्स? गो ऑन. ओ जलंधर, वेयर वर यू? होल्ड ऑन, मे बी योर वॉल्यूम इज अ बिट लो.
यस प्लीज बैठने, आप लोगों की क्लास क्यों नहीं कनेक्ट हुई अभी तक? स्पीक अप। सर लेट कनेक्ट हुई है क्लास। क्यों? आप लोग लेट आए थे इसलिए? तो बारिश हो गई थी तो इसलिए लेट हो। अच्छा अच्छा ठीक है। ऑलराइट सो और कुछ ऐड करना चाहेंगे? डिक्लाइनिंग अंडरग्राउंड वाटर सैलिनिटी सॉल्यूशन एक्सेट्रा। अरे इंटरेस्ट रेट तो बोला नहीं, इंटरस्टेट रिवर वाटर शेयरिंग। देन ग्लेशियर रिसीडिंग, इनको जो पेरिनियल है वो भी पता नहीं रहेंगे या नहीं। ग्लेशियर रिसीडिंग, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। What else? Good enough. हमें अगर कोई भी aspect tackle करना है ultimately यही aspects हैं sir. Sir glacier receding. Disparities. Regional disparities. Sir glacier receding कैसे इसमें? Perennial rivers जो हैं वो glaciers की वजह से। Now the glaciers in Himalayas are continuously receding. There is a sufficient amount of study done into this particular aspect. So, although you know Himalayas are less talked about, but yet the glacier receding is happening there. So, उस चक्कर में perennial rivers भी perennial रहेंगे या नहीं पता नहीं। There is a threat because the water flow will be at first very high. तो जितना चाहिए हमें तो हम उतना ही utilize करेंगे। बाकी तो समुद्र में मिलना जाके। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक बार तो वाटर फ्लो विल बी वेरी हाई, बट आफ्टर दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल डिक्लाइन आल्सो, सो साइकल्स गेटिंग डिस्टर्ब अ बिट। वो इरिगेशन के करते तो नहीं होता? बिल्कुल, बहुत सारी इरिगेशन जो गंगा पूरे स्ट्रीम के अंदर होता है वो किससे है? पेरिनियल रिवर से ही है। होल ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन इज गेटिंग व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन? मोस्टली रिवर बेस्ड इरिगेशन। Yes, rivers, tributaries, distributaries and everything. याद है ना? तो अब उसमें क्या है कि एक बार वाटर फ्लो बहुत ज्यादा हो भी जाता है अगर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से, नेक्स्ट टाइम के लिए हमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग है, फिर उतना आइसिंग होगा या नहीं, बिग इशू। पेरिनियलिटी ऑफ रिवर्स और परमानेंट ड्राइंग ऑफ पेरिनियल रिवर्स कैन हैपन। यस, सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। नाउ व्हाट एल्स? इरिगेशन में सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस क्या आएंगे अब इरिगेशन को लेके? यही जो प्रॉब्लम्स हैं इनका हल करना है और क्या? ठीक है, सो समबडी आस्क यू सजेस्ट हाउ कैन द इरिगेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर बी इंप्रूव्ड? द आर्गुमेंट्स, ठीक है, ऊपर वाला सारा सॉल्व करना तो यही पॉइंट्स हैं, डायमेंशंस ये कवर करनी है, आगे तो फैक्ट्स हैं, जहां मिल जाए डाल दो, नहीं मिले तो भी ठीक। आपको क्या लगता है मैं यहां पे अगर लिखूं कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे दूं तो नंबर में कितना फर्क पड़ेगा? या ग्लेशियर्स में मैं एग्जांपल दे दूं कि इतने परसेंट, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। अगर वो फिगर गलत हो गई तो कटेंगे, है ना? सो द बेसिक स्ट्रक्चर शुड रिमेन इंटैक्ट जब आपने आंसर लिखना है इसमें। बाकी कुछ फिगर्स अगर याद आ जाए ठीक है, जैसे अगर याद आ जाए कि 85% इज यूटिलाइज्ड बाय एग्रीकल्चर, यस 85 to 89 जो हमने कल बात की थी, सो वो जो डले हुए स्टैटिस्टिक्स याद आ जाए वेरी गुड, नहीं आ रहे चिंता नहीं करना, इतना इस साथ में लेके जाना बिल्कुल डिनाइन करके, ठीक है? आगे देखो अपन, so land, water, two things we have done. Give it up. Just at the level of inputs we are. So in inputs we have dealt with
जो लिखेंगे इधर करते जा रहा हूँ, लैंड वाटर. थर्ड इनपुट दैट आई एम कंसर्न विद इज सी. दैट्स द थर्ड इनपुट. अब सी के ऊपर जब भी बात करते हैं तो क्या क्या चीजें आती हैं. फर्स्ट इज क्वांटिटी, सेकंड इज क्वालिटी, थर्ड इज इनोवेशन, फोर्थ इज प्रिजर्वेशन, फिफ्थ इज एक्सेस, सिक्स्थ इज अफोर्डेबिलिटी. These are the issues with respect to, or the dimensions with respect to seed. Whenever you have to look at seed, get it this way. Now, when I say quantity of seed, so herein, ultimately what matters is availability of seed to the farmer within the market. So more seeds getting produced, more will be availability, lesser will be the price. So quantity in a way helps in affordability. In a way, not the whole of it, right? Okay. So it helps with price. It helps with price. This is one. Second thing, it helps with incomes for the farm, because seed village concept. Yeah, back it will be known. Seed village. Correct? Then, what else the quantity helps with? It helps with what? Many of the things you are not trying because the seeds are not available. Diversification. Yes, sir? Diversification. Farmer chahe bhi aur bole ki yaar mere paas aisa 100 acre zameen hai, I want to now cultivate strawberry. Bolo seed hi nahi. हमारे पास तो दो ही एकड़ कह दो, तो फिर वो क्या करेगा? डाइवर्सिफिकेशन कितना होगा? दो एकड़. समझ रहा है? सो दैट इज डाइवर्सिफिकेशन. इफ देयर इज क्वांटिटेटिवली अवेलेबल सीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन, ओनली देन यू विल डाइवर्सिफाई. हाउ एल्स? ये सिर्फ बोल के तो नहीं हो जाएगा ना. फार्मर शुड डाइवर्सिफाई. ओके, व्हाट एल्स? सोचो, दिमाग लगाओ. क्वांटिटी से और क्या फर्क पड़ेगा? गुड प्रोडक्टिविटी. बट प्रोडक्टिविटी इज इट अ क्वालिटी इशू और क्वांटिटी इशू? इट इज बोथ. बिकॉज ऑफ सीड रिप्लेसमेंट रेट, इट हेल्प्स इन प्रोडक्टिविटी ऑल्सो. रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट इट यस्टरडे, 30% इन सम एंड 50% इन द अदर्स. टू कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स वी हैड यस्टरडे. इन वन यू नीड 30% SRR. Other you need 50% SRR, and that will basically improve productivity. But they did. Okay, so this is quantity aspect of seed. Now what is the quality aspect of seed? So seed village ka example koi? Iska ji? Seed village ka example. Seed village to ek basically program tha government ka, jisme farmers khud apne seeds tayar karenge, certification karayenge nearest testing center se, uske baad usko market mein bech bhi sakte hain. वो भी यूज कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं. दैट इज सीड विलेज कॉन्सेप्ट. 2015 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया सीड विलेज के ऊपर. पढ़ा नहीं? पुराना हो गया एक्चुअली आपके लिए. अच्छा, ओके. क्वांटिटी के क्वालिटी के लिए अगर देखा जाए तो कौन सी चीजें देखो? सबसे पहली चीज है रेजिलियंस. आज के जमाने में I know, because there is a lot of stress that a seed has to go through today to germinate into something. Yes or no? So first aspect of quality that you should talk about is resilience. Climate resilience, drought resilience, ecosystem resilience, pest resilience, multiple types of resilience. Aage build karna na resilience ko. To wo to stating the facts ho jayega, structure nahi aayega. Sirf yahan likh deta hu, pest, drought, etc. So sometimes you use biotechnology,
sometimes you use integrated pest management, sometimes you use some other techniques to build resilience. These days, climate resilient agriculture is most talked about. Yes or no? So that resilience starts with the C. So when you say CRA, climate resilient agriculture, it starts with the C. Rest of the system to wahi rahega na, starts with the C. What is the next aspect with respect to quality of seed? Productivity. What is the next aspect? Time. Type का मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि क्या वो seed आगे जाके और seeds create कर सकता है या वो अपने आप में dead end है? Is this terminal seed or is it tractor seed? Two kinds of seeds are there. So if there is a terminal seed, despite high quality, it will create trouble. Despite high productivity, it will create trouble because affordability will be the issue. Yes? So terminal seeds, despite productivity, there is issue of affordability. Affordability decreases because there is terminal seed. Next technology is after terminal, tractor technology. Tractor technology, terminal technology, बड़ी सारी technologies हैं. एक और टेक्नोलॉजी, उसमें क्या करते हैं कि सीड भी वही कंपनी का लो, मॉन्सेंटो माइक, फर्टिलाइजर भी उनका ही लो, पेस्टिसाइड भी उनका ही लो, तभी चलेगा. ऐसा होता ना, have you heard? तभी चलेगा नहीं तो चलेगा नहीं. It's like this. So वहां पे क्या बिल्ड कर रहे हो? So it is a complete ecosystem seed. Fertilizer plus pesticide plus seed should be of same company. इससे भी क्या होता है? Monopolization, monopoly increases. BT cotton में सबसे बड़ी problem ये है, monopoly increases. मैंने इसे ecosystem seen, complete end to end. उसी company का ये खरीदे फिर चलेगा. नहीं तो नहीं चलेगा. और होता ये भी टर्मिनल ही है, बट इट्स अ नेक्स्ट डिग्री. ठीक है, देन देयर कैन बी ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड और न्यूक्लियस सीड. इसको हम बोलते हैं कि आगे जाके वो और सर्टिफाइड सीड उससे बनाया जाता है, तो इट्स अ ब्रीडर सीड. ठीक है, सो व्हाट टाइप इज इट? So the quality of seed will be determined here as to whether it is long term oriented or short term oriented. It is dependence oriented or independence oriented. Does it make the farmer completely dependent upon market inputs or does it promote ZBNF, zero budget national farming? ठीक है, so ये promote कर सकते हैं ZBNF. इनके लिए always market input, dependency create करते हैं farmer के अंदर. ठीक, okay. So I'm not going into the biotechnology aspect, I'm not going into the biopiracy aspect, which are science and tech fields, but you just write them as a part and parcel of quality. In resilience you use biotech. Yes, and one of the international issues is biopiracy. That's also an issue related to seed. What they do is they take away the natural species from here, redevelop it a little bit, then sell you at a higher price. That's what they do. This is organic. This is an improved variety. It's like this. So this is biopiracy. Another aspect of biopiracy is that they will take away the resources like tulsi, haldi, etc., etc., which are very much Indian, very much tropical. Now, in tropical country, most of us are developing countries. Yes or no? And in tropical countries, only the biodiversity is very high. Yes?
But what the other countries will do, those who are developed but not in tropical zone, they will go to tropical countries, exploit their biodiversity resources, get patents on them, and then sell you at a higher price by saying that this is mine. So this is biopiracy. This happens in many cases in India, haldi, tulsi, neem. अब इन चीजों की रिसर्च करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, हमें इनका जनरल यूजेज पता है थ्रू हिट एंड ट्रायल. आयुर्वेदा हैज लर्नड द जनरल यूजेज कि तुलसी से ये गुण हो सकते हैं, एलोवेरा से ये हो सकता है, बट वी डोंट नो व्हाट इज द एक्टिव एजेंट, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स एट द ग्राउंड लेवल. दिस रिक्वायर्स मनी टू बी स्पेंट ऑन R&D व्हिच डेवलपिंग कंट्रीज जनरली डोंट हैव. सो व्हाट दे डू, they take away this product, take out the active compound, synthesize it in the lab, and sell you at a higher price. Getting this biopiracy. So it's a science and technology, not particularly here. But again, in seed also, this biopiracy is there. Got it? Then, third, here I've got. Innovation. See, Chhattisgarh is known as rice bowl of India. Why? Chhattisgarh is known as rice bowl of India. Why? There are some 140 types of rice varieties cultivated in Chhattisgarh. But people are able to innovate as per their agroclimatic conditions, as per their agroeconomic conditions, and as per their agricultural conditions. Three kinds of conditions have led to innovation in different varieties of seeds. Okay, carefully. Agroclimatic innovation, agroeconomic innovation, agricultural innovation. Three kinds of innovations are inbuilt. Got it? There's nothing agro-social or political. It's it is agro-climatic, agro-economic, and agricultural innovations. These are bound to be done by the farmer at the ground level and not by some lab. They are done. If they are done in the lab, then the lab to land suffers. If they are done on the land, then land to lab suffers. What I mean? When you go lab to land, sometimes transition is a trouble. When you go land to lab, sometimes certification is a trouble. So when you go land to lab, lab to land, awareness is the problem. When you go land to lab, rather than awareness, ab iska alag kya? Proof is the problem. It's not awareness now, they need proof. Farmer doesn't have proof or time for it. सर इस बार ये ट्राई मारा था अच्छा हो गया, अब वो बोलेंगे अच्छा दोबारा करके देखो, शायद उससे ना हो रेप्लिकेट, सो उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिलती, वो सेल नहीं कर पाता अपनी टेक्नोलॉजी, पेटेंट नहीं करवा पाता. सो दैट बेसिकली इज द इशू है. पेटेंट, IPR, एग्रो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट्स द इशू है. दिस मे बी अ प्रोसेस पेटेंट, there may be a product patent, both kind of, but both remain an issue here in innovation. Yes, and in case of this, if the lab gets the IPR, it's very difficult to translate it at the ground level. So what I'm talking about in innovation is three kinds are happening. On these three kinds, there are two general modules. One is lab to land, one is land to lab. Lab to land,
it does happen, but translation into practice is very different. Yes, at the land to lab, it does happen, but IPR is very difficult. So it does not get a standardized practice. So even if you innovate best practices, you both innovate best practices, they should be able to replicate it, just not innovate it. Yes, then it should get replicated at ground level by everybody, everywhere. Then ultimately there is some growth and development. That's when development of agriculture can happen. अभी कुछ लोगों को पता है राइस कैसे बेस्ट क्रिएट करना है पंजाब में, कुछ लोगों को पता है मशरूम्स कैसे बेस्ट क्रिएट करना है, मैं कल एग्जांपल दे रहा था, राइट? सो दे हैव मेड सर्टेन इनोवेशन, दैट इज एट लैंड, दे हैव मेड सर्टेन इनोवेशन, बट इट्स नॉट गेटिंग व्हाट रेप्लिकेटेड. इसी वजह से जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है वो लिमिटेड ही है, वही लोग कमा रहे हैं, फिर लाखों में और तो नहीं कमा रहे. दैट्स द इशू विद लैंड टू लैब. समझ रहा है? सीड. अच्छा, अब प्रेजर्वेशन. सो यू गॉट अ होल प्रोजेक्ट यू नो फॉर सीड प्रेजर्वेशन, इट्स समवेयर इन डीप इन द माउंटेन्स फ्रोजन. या व्हाट इज दैट प्रोजेक्ट? सीड बैंक, दैट्स देयर, बट देयर इज एन इंटरनेशनल सीड बैंक. नॉर्वे. व्हाट इज द नेम? Spitzbergen Island. So they have kept this all the seeds under preservation. Yeah. So generally, with respect to preservation, the concept is seed bank. That's what you're looking for. Now these seed banks, what are they saving? What kind of things are they saving? Only those which are certified. Nothing beyond that. Yes or no? So only those which are certified, red, patented, only those they are saved. The natural varieties are not getting saved. So certified versus natural varieties. Why? Natural varieties are actually the most resilient in their own agroclimatic zone. They have their own best qualities. The breeder seed in which the genome is untouched has its own qualities because nature intended it to be so. Before you discovered it, it has survived centuries. Yes or no? Now you replicated it into some other ecosystem where it is not working properly. So therefore, natural varieties preservation is just as important as improved varieties preservation. Got it? So improved or certified varieties preservation. So that's the aspect with the seed bank. Got it? Okay, let's go one step ahead. Access and affordability. Okay, so when I say access to seed, what kind of access can we talk about? There are generally two: economic and technological. They are related, definitely. But sometimes even if you have money, you cannot have it. And बहुत सारी ऐसी seeds हैं या varieties of plants हैं जो हमें लगता है कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन उसके लिए अभी bilateral, trilateral agreements की ज़रूरत है, क्योंकि testing भी नहीं कर पाते हम, कभी कभी issues political होते हैं और उनके outcome economic. अब Israel के साथ we are testing, we have bilateral agreements. And we are testing कि saline environments में कौन से seeds चल सकते हैं कि ऐसी resilience हो, saline water में आराम से चल रहा है, क्योंकि Israel में वो plantation कर रहे हैं cultivation in this sense. So there is the technological bridge which is being made. Israel India relationships are right here in this perspective. This is one example that we are making. Then as far as economic is concerned, I am here talking about the farmer. So we got small farmer,
small and marginal farmers, so they are not able to deal with it too much. Hence, you got schemes like PM Kisan, which also are only 17% there yet. इनकी स्कीम जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो कि एग्रीकल्चर में फार्मर इनकम को ऑगमेंट करना चाहती है अल्टीमेटली कुछ पैसे दे रहे हैं 2000 है ना 3-3 महीने बाद तो ये पैसे भी अभी सारे स्टेट्स को नहीं मिले अगर आप इसके इश्यूज पढ़ेंगे तो और इसकी पेनिट्रेशन जिन स्टेट्स में है उधर भी पूरी नहीं है किसी भी स्टेट में इट इज नॉट मोर देन 30% 33% अभी तक जो 2000 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी आनी थी क्यों क्योंकि टारगेट ग्रुप सेट नहीं हो रहे बहुत ज्यादा किसान है इंडिया में कितनी फैमिलीज हैं 12.5 करोड़ एग्रीकल्चरल फैमिलीज हैं इंडिया तो उन 12.5 करोड़ एग्रीकल्चर फैमिली टारगेट में लाने में बहुत टाइम लगेगा ठीक जितना 75,000 करोड़ का बजट पिछली बार सैंक्शन किया था उस बजट में से अभी 17% ही यूटिलाइज हुआ है कितना होना चाहिए था साल में 3 इंस्टॉलमेंट जानी 33% होना चाहिए था लेकिन 17% हुआ है तो मतलब क्या है आधा ही हुआ है 2000 की बजाय 1000 ही है या फिर आधे किसानों को मिला आधों को मिला नहीं यही मतलब हुआ पचहत्तर हजार करोड़ का बजट था 33% यूटिलाइज होना चाहिए था क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज गॉन 33 तीन इंस्टॉलमेंट जानी ठीक उसमें से अभी 17% यूटिलाइज हुआ मतलब क्या हुआ हाफ यूटिलाइज हुआ तो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे क्यों क्योंकि टारगेटिंग इशू है देयर इज अ टारगेटिंग इशू और यहां पे तो टारगेटिंग भी क्या कवरेज इशू है 15 ले लिया सबको देंगे 12.5 करोड़ फैमिलीज को बट इट्स अ बिग इशू How will you handle? Your DBT infrastructure is there, but still there is limitation. पहले तो funding limitation, flow of funds. It's not just the volume, it's the flow, which is the problem. Money sanction is there, but the flow will take time. Dam में पानी खड़ा है, नदी में आने में से time तो लगेगा. या तो मैं नदी बड़ी करूँ, फिर तो बहुत अच्छे से निकल सकता है. So this is bottleneck, infrastructural bottleneck. Of DBT. समझ आ रहा है? जिसकी वजह से फ्लो ऑफ फंड्स में प्रॉब्लम आती है चाहे वॉल्यूम ठीक ठाक है आपने एलोकेट कर दिया अगले बार के लिए भी कर दिया 87,000 करोड़ कुछ इस साल में चुके अब उसमें से भी देखो कितना यूज होता है यही तो प्रॉब्लम है हमने पहले भी बात की थी एग्रीकल्चर स्कीम्स में इशू ये नहीं है कि पैसे नहीं स्कीम्स में इशू क्या है फ्लो नहीं बन पाता इट्स नॉट वॉल्यूम ऑफ फंड्स इट इज फ्लो ऑफ फंड्स समझ आया Okay. So that is the economic axis, the little bracket man. From state to farmer, problem is flow of funds and not volume of funds. From state to farmer, problem is flow of funds and not volume of funds. The allocation of the legal liability. Alright, next is affordability. So access and affordability I am putting in one dimensional. So that you don't get confused. Economic access is basically affordability. Yes or no? So affordability is nothing but economic access. And today economic access is every access you need in terms of seed. We aisa to hai nahi ki geographical barriers hain jahan bhi aata hai. Hai na? Okay. So the seed. What they did. Now for all this to be done, हमारे यहाँ पे एक seed act आना जरूरी था 2006 में seed bill लाया गया लेकिन अभी तक वो seed act नहीं बन पाया इसीलिए यहाँ पे monopolization का भी issue है देख लो at the policy level a seed act suitable for the modern agricultural needs पुराना तो है बहुत पुराना A seed act suitable for modern agricultural needs is still missing and waiting as seed bill is still missing and waiting as seed bill since 2006.
कोई बात ही नहीं कर रहा उसकी. Missing and waiting as sealed bill since 2006. All right, next one. Next input that we can pick up is fertilizer. वो वाला एग्जांपल कहां पे डालेंगे जो भी फीटो ले और अभी अभी दूंगा मैं सारे एग्जांपल्स पोटैटो को या फीटो ले पोटैटो इश्यूज आई विल गिव यू ऑल द इश्यूज फिर आप अपने आप से उसको डाल देना पहले मैं सारा स्ट्रक्चर एक बार कर दूं इनपुट्स के लेवल पे आउटपुट्स के लेवल पे बिकॉज़ इट टेक्स टाइम यू मे बी इनटू इट टिल 1 जो कल आपका टाइम से वो आ जाएगा पर ये थॉरो एनालिसिस आपका बन जाएगा बाद में आपने इतनी पॉइंट देख के जाना है बस बाकी चीजें तो क्वेश्चन से मिल जाती थी ठीक बात है सो फर्टिलाइजर सो फर्टिलाइजर में फर्स्ट तो यू हैव टू सी फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू देन यू हैव टू सी फ्रॉम द फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू देन यू हैव टू सी फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर द पार्टीज इंटरेस्ट ग्रुप्स यस एंड देन यू हैव टू सी फ्रॉम द trade point of view, international trade, international plus domestic. Yes, then you have to see from utility point of view, then you have to see from product technology point of view. These are things. Technology and utility. So from producer point of view, in India, the problem is that for agriculture, what is your raw material? For agriculture, what is your raw material? For fertilizer. Huh? Fertilizer kisse banta hai? Crude oil. Crude oil. Basically. So crude oil is the raw material and whatever is the waste product out of that you create fertilizer. Gas is one of the raw materials. Yeah, biogas, LPG gas, butane, propane. So these are one of the main ingredients to create fertilizer for you. Yes, so raw material dependency or raw material is one of the major concerns in terms of producer. This raw material is imported most of our time in India and that leads to imported inflation. Or unstable prices. It is not domestically sourced. Some kind of unstable supply is there. Because of which the producer does not know how much to produce, how much he can produce. This limitation comes. Okay. Then, what else with respect to raw material? It is not one, it is diversified. Jaise potash fertilizer ke liye alag hai, phosphorus ke liye alag hai, nitrogenous ke liye alag hai. Obviously. Yes. So, it is variety of raw materials. Jisme se nitrogenous ke liye toh phir bhi mil jata hai. Potash aur phosphorus ke liye nahi milta. ठीक है, so for P and K raw material is less available or scarcely available. N is available, P and K is the problem. And further, micronutrients is even further problem. Chlorine, sulfur, oxygen, and माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं ना प्लांट के लिए मैक्रो और माइक्रो दो तरह से देखते हैं हम न्यूट्रिएंट्स को ठीक है सो फर्स्ट इश्यू फॉर प्रोड्यूसर इज रॉ मटेरियल सेकंड इश्यू इज फर्टिलाइजर सब्सिडी बिकॉज इट इज गिवन टू द प्रोड्यूसर इन इंडिया इट इज स्टिल नॉट डायरेक्टली गिवन टू द फार्मर इट इज स्टिल गिवन टू द प्रोड्यूसर यस अब ये किस तरह की सब्सिडी होती है प्रोडक्शन सब्सिडी है प्रोडक्ट सब्सिडी नहीं है
मतलब प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर को सब्सिडी दी जाएगी, जब मार्केट में प्रोडक्ट आएगा तो ये अपेक्षा रखी जाएगी कि क्योंकि प्रोडक्शन के लेवल पे सब्सिडी दी गई थी तो बेसिक प्राइस कम रहे। याद है ये सब कैसे आता है? बताओ नहीं बता दो। फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज, याद है, इज इक्वल टू बेसिक प्राइस, याद है ना? ओके, बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, याद है ना? अब यहां पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन सब्सिडी दे रहे हैं ये सोच के कि बेसिक प्राइस कम होगा, पर अब इन लोगों के पास जो बेसिक प्राइस है उसको इन्फ्लेट करने का एक तरीका है, वो कौन सा? गिरा फैक्टर कॉस्ट, रॉ मटेरियल इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हमेशा उसको इधर उधर दिखाते रहते हैं बिल्स में, समझ रहे? प्रोडक्शन टैक्सेस तो खैर जीएसटी का ही मामला है। अच्छा, फिर प्रोडक्ट के लेवल पे अगर आते तो मार्केट प्राइस था, सीधा इसको इफेक्ट करती सरकार पीछे से जो भी आ रहा है, तो उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा आनी। अब एलपीजी में जो सब्सिडी आपको मिलती है वो कौन सी है? प्रोडक्ट सब्सिडी। तो आपको डायरेक्ट फायदा होता ना, पता चलता खुद को कि भाई मार्केट प्राइस पे खरीदते तो इतना का पड़ता है, सरकार ने हेल्प कर दी तो इतने का पड़ेगा, ठीक बात है, और आपको मिलती भी है। यही सब्सिडी पहले प्रोडक्शन सब्सिडी हुआ करती थी एलपीजी में, जो कंपनीज होती थी उनको मिलती थी और आपको सिलेंडर सस्ता मिलता था। इससे क्या होता था, ब्लैक सब्सिडाइज्ड सिलेंडर्स की ब्लैक होती थी ना, आया ना, आजकल होती है वेरी लेस, वेरी लेस। अब जो कार्ड नहीं बनाया तो उनकी सिर्फ देती है ना ब्लैक, पर पहले क्या होता था, कार्ड भी आपके पास लेकिन एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ गई तो फिर ब्लैक में, और वो बहुत महंगे होते और उसमें एक काफी ब्लैक मनी चलता था। अब यहां ऐसा इशू फर्टिलाइजर में अभी, क्योंकि इसमें जो सब्सिडीज हैं दे आर प्रोडक्शन सब्सिडीज नॉट प्रोडक्ट सब्सिडी, फार्मर को डायरेक्ट एक्सेस है। इससे एक और इशू आता है, आप इसको अगर ट्रेड से लिंक करके देखेंगे, फैक्ट्री को तो प्रोडक्शन के लिए सब्सिडी दे दिया, जब मार्केट में चीजें आएंगी तो डिमांड सप्लाई आएगा फिर से। अब जिस फर्टिलाइजर की डिमांड ज्यादा फैक्ट्री से, चाहे वो 100 का चला, आगे जाके मार्केट में फिर बढ़ जाएगा प्राइस, तो मार्केट ट्रेंड्स अगेन नलिफाई ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्शन सब्सिडीज, ठीक है? सो यहां पे मैं लिख रहा हूं इश्यूज कौन कौन से हैं, मार्केट ट्रेंड, मार्केट डिमांड सप्लाई उसकी वजह से नलिफाई हो जाती है, दूसरा फैक्टर रिपोर्टिंग इसकी वजह से नलिफाई हो जाती है, तीसरा ब्लैक मार्केटिंग इसकी वजह से नलिफाई हो जाती है, खर्चा होगा सरकार, सब्सिडी बिल काफी सब्सटेंशियल है फर्टिलाइजर, वो आपको फिगर्स ऑलरेडी हैं आपके पास, समझ आ रहा, खर्च हम बहुत करें, पर ये कोरिलेशन में देखने के हैं ये सारे जितने भी। अब मैं फार्मर के लेवल पे देखता हूं तो मैं फर्टिलाइजर को कैसे देखता हूं, व्हाई डज अ फार्मर यूज फर्टिलाइजर? प्रोडक्टिविटी, उसको लगता है कि वो और फसल होगी, और तो कोई कंसर्न नहीं, सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी, प्रोडक्टिविटी का कंसर्न एक तरह से देखा जाए तो इनकम सिक्योरिटी कैन थिंक ऑफ इट, essentially he wants to boost productivity because he needs income security, okay, so for farmer fertilizer is a matter of income, whether security or expansion, it's a matter of income and investment, aaya na, so it's a matter of income and investment, पैसे कमाने के लिए वो कुछ पैसे लगा रहा है इनपुट के तौर पे अगर देखा जाए तो, बेसिक तो इतना सही है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्या आती है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ फर्टिलाइजर, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ फर्टिलाइजर, ये इन्वेस्टमेंट से इनकम में तभी जाएगा
जब फर्टिलाइजर रिस्पॉन्ड करेगा एज पर द क्रॉप, एज पर द एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, एज पर द प्लांट सीड एवरीथिंग। अब क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिवनेस कम हो रही है इंडिया में, क्यों? क्योंकि डुप्लीकेसी, क्यों? क्योंकि उसकी इफेक्टिव ग्राउंड लेवल टेस्टिंग ही नहीं होती, क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज नहीं यूज होती जैसे फर्टिगेशन। इसकी वजह से फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिवनेस मर रही है और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इनकम में ट्रांसलेट नहीं हो रहा, ये ट्रबल आ रहा है। ठीक, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस कैसे बढ़ेगी? वही जो मैंने प्रॉब्लम बताई अभी, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ेगी अगर वो डुप्लीकेसी रिमूव करेंगे। डुप्लीकेसी रिमूवल फिर क्या करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस, फिर ग्राउंड लेवल स्टडीज। बिना टेस्टिंग के आप फर्टिलाइजर मार्केट में धकेल देते हो, ग्राउंड लेवल स्टडीज। तो ये तीन चीजें चाहिए तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से सेट होगी फर्टिलाइजर की, तभी किसान की जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्रांसलेट होगी टुवर्ड्स इनकम। अभी आप उसको सिर्फ फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रहे हो जिसके बेसिस पे वो ले तो रहे थोड़ा बहुत सस्ता, पर पैसे लगा के भी बन कुछ नहीं रहा खास, वही खड़ा था कुछ। एक आप डुप्लीकेसी नहीं चेक कर पा रहे, दूसरा टेक्नोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस नहीं हो रही, आमतौर पे सब कॉपी पेस्ट हैं। जितने भी अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स आते हैं, कौन कौन से? म्यूरेट ऑफ पोटाश, डायमोनियम फॉस्फेट, ट्रिपल सिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल ऑफ देम आर कॉपी पेस्ट, सेम सॉल्ट इन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम्स, यस और नो? एंड दैट टू अंडर डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर्स, यस और नो? Now I go to the next aspect, government. When you see fertilizer from government's point of view, it is a point of what is the policy regulating it. For example, you got a nutrient based subsidy scheme. This is one. Second is, there was an order for neem coated urea, was for urea fertilizer regulation order, and all urea for agricultural subsidization will be neem coated. Isse kya hoga? Fertilizer dheere dheere jayega industry ke liye, jo uska divert hota tha subsidized fertilizer, fertilizer wo nahi hoga, diversion will not be possible. So abhi neem coated urea, further neem acts as a biopesticide. So both ways, all three ways it is going to be good. So government ne policy level pe ye do intervention kiye. Ab third intervention kya aa raha hai government ka? Soil health card. Wo yahan aata hai. To jo parameters wo test kar rahe hain, jo deficiencies wo test karenge, unhi deficiencies ke liye subsidy dene ki zarurat hai. You should align deficiency with subsidy. Yes, son. Rather than nutrient-based subsidy, now you need to align the deficiency with subsidy. Iske liye they have got already a pilot project, which is IFMS, Intelligent Fertilizer Management Systems. Isko lane se pehle, what they are doing is they are doing biometric mapping of fertilizer consumption. बायोमेट्रिक मैपिंग ऑफ फर्टिलाइजर कंजम्पशन, जितने किसान लेके जाएंगे आपको उनके बायोमेट्रिक देना पड़ेगा, डेटा देना पड़ेगा, उस हिसाब से ही सब्सिडी का सारा चैनलाइजेशन होना है। और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हम कहते हैं कि कुछ कुछ स्टेट्स में हम सीधा फार्मर को दें, दैट्स व्हाट दे हैव स्टार्टेड ऑलरेडी इन सम स्टेट्स एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन सम डिस्ट्रिक्ट्स। तो हमने इस तरह से उठाना शुरू किया कि किसान आए अपना बायोमेट्रिक दे, कौन सा सॉइल हेल्थ कार्ड था वो दिखाए डेटा,
और कौन सा एज इट इज फर्टिलाइजर सब्सिडी लेके जा रहा है उसके हिसाब से सब्सिडी दे रहे हैं। आगे जाके ये अलाइनमेंट बाय ऑर्डर होगी जब इनके पास ये डेटा क्रिएट हो जाएगा। अब ये डेटा क्रिएट कर रहे हैं सर कि लेट्स से इन दिस डिस्ट्रिक्ट जनरली दिस इज द नेचर ऑफ सॉइल। अभी इनके पास सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू ये डेटा एंड देयरफॉर दीज आर द न्यूट्रिएंट्स फॉर विच दिस मच सब्सिडी विल बी अवेलेबल। समझ आए? इन दिस डिस्ट्रिक्ट दिस इज द एनपीके रेशियो, these are nutrients for which there will be subsidy, these are the nutrients for which there will be no subsidy. Obviously they have to do it, otherwise the NPK ratio will go on further destabilizing. Definitely that's the case. So ye ab deficiency and subsidy inki alignment ki baat ab honi shuru ho gayi. It's a positive step, it's pilot and should come as a part and parcel of the policy with respect to fertilizer. Phir ek aur government policy raha hai jahan pe प्रोड्यूसर्स को रॉ मटेरियल अश्योरेंस गवर्नमेंट दे रही है, रॉ मटेरियल अश्योरेंस थ्रू गैस ग्रिड। गैस ग्रिड दे हैव क्रिएटेड अ गैस ग्रिड तो सारे प्रोड्यूसर्स को सेम प्राइस के ऊपर रॉ मटेरियल मिलेगा, ठीक है? ताकि बेसिकली क्या होगा, वो जो कॉस्टिंग है यहां पे वो फैक्टर कॉस्ट सब जाने अलग अलग नहीं दिखा पाएंगे। पहले क्या होता था कि फैक्टर कॉस्ट सब कोई अपने हिसाब से मैनेज कर रहा था, अभी इसमें गड़बड़ानी बंद हो जाएगी थ्रू दिस कॉमन गैस ग्रिड। गवर्नमेंट कहता हम देंगे आपको, आप बनाओ। तो रेगुलेटेड प्राइस में रॉ मटेरियल मिला तो फैक्टर कॉस्ट में फिर वो गड़बड़ नहीं कर सकते, ठीक है ना? प्रोडक्शन टैक्स सरकार ने लगाया उसको पता कितने लगाए, प्रोडक्शन सब्सिडी सरकार ने लेने उसको पता कितनी लगाई। इस वजह से थोड़ा सा ये भी बैलेंस इसको कर रहे हैं इस तरीके से, और आगे जाके कैपेबिलिटी भी बनती है इनकी कि हाँ ठीक है हम और फर्टिलाइजर बनाएंगे क्योंकि रॉ मटेरियल अश्योरेंस है। आपका ये जो प्रॉब्लम आ रहा था अनस्टेबल, इससे भी डील हो जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट एंड इनस्टेबिलिटी एंड इन्फ्लेशन तीनों चीजें सेटल हो जाएंगी जो वहां पर आ गई। फैक्टर कॉस्ट जो बंदा दिखा रहा है और इन्फ्लेशन और इंस्टेबिलिटी जो उसको प्रॉब्लम्स आ रही है। That's the aspect of government there. Now if you go to trade, again I just want to point it out right here, it's on the board, it's international and domestic is right here, market, demand, supply. Okay? Then as far as utility is concerned, so it is as per deficiency. Yes? Then as far as technology is concerned, it is as per ground level studies. What did? So this is what you have to work out essentially in fertilizer. Issues dunga, I don't worry, sabke dunga. Fertilizer mein kya aa raha, usme kya aa raha, usme kya aa raha. Like this, jo recent current issues. But this is base. Isme kisi current ki zarurat nahi hai. Aur current isi se banega. A development in the basic issue is what you call as current affair. Listen, it is not an independent origin. Development in the basic issue is a current affair. So if you know the structure, rest can be taken care of. Name a current affair, just move up. Any issue with respect to agriculture, जो आपको लगे कि ये इस structure से बाहर रह जाएगा और आप हैंडल नहीं कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन कहां से भी घुमा के आ रहे, बस ध्यान उस टाइम पे ये रखना सिर्फ उसकी बात नहीं करनी। अगर फार्मर की पूछ रहे हो पैरामीटर सारा दिखाना है कि सिर्फ फार्मर की इस लेवल पे ना देखा जाए सब्सिडी को या फर्टिलाइजर को। एंगेजमेंट ऑफ फार्मर और एग्रीकल्चर विद फर्टिलाइजर इज एट डिफरेंट लेवल्स। आउट ऑफ दिस जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया इज क्रिटिकल but the others are just as important. तो पूरा दिखाना है आंसर में, फिर मजा आएगा, ठीक है? चलें आगे। तो बाकी पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करना हो ना ना बस उनको सिर्फ एग्जामिनर को पता है तो 100 वर्ड की लिमिट है, ये 250 वर्ड की है, आप कितना एक्सप्लेन कर सकते हो। दैट रिस्ट्रिक्शन ही नोस व्हाट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, आई हैव बीन वेरी केयरफुल।
in each of the sections. सर अगर फर्टिलाइजर्स के ऊपर सिर्फ फार्मर का पूछा है तो दिखाने सारे तो लिखना तो फार्मर वाला ही है ना, बाकी तो सिर्फ शो करना है। फार्मर वाला लिखना है लेकिन एनालिसिस पूरा चाहिए वहां पे। फॉर एग्जांपल अब कल तो नहीं, चलो आज मैं भी क्वेश्चन दूं आपको, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय फार्मर इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर सब्सिडी। या सीधा सीधा क्वेश्चन पूछूं, दैट फर्टिलाइजर सब्सिडी इज स्ट्रक्चरली एफिशिएंट बट फंक्शनली इनएफिशिएंट इन इंडिया, या विद क्लाइमेट चेंज फर्टिलाइजर्स आर बिकमिंग इररिस्पॉन्सिबल। एग्जाम्पल तो आप क्या बोलोगे भाई, सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं है, बहुत सारी चीजें, सॉइल हेल्थ कार्ड किधर गया, जो फार्मर प्रैक्टिस है वो किधर गई, इनएफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर तो बहुत चीजों से आती है, रिस्पॉन्सिबनेस तो हमने इकोसिस्टम की देखनी है, रिस्पॉन्सिबनेस सिर्फ क्लाइमेट की नहीं देखनी, क्लाइमेट इफेक्ट्स इकोसिस्टम बट इट्स नॉट द होल ऑफ इकोसिस्टम, द ह्यूमन फैक्टर इज ऑल्सो देयर। तो कोई क्वेश्चन आ रहा है कुल मिला के यू बी एबल टू हैंडल, डोंट वरी, उस टाइम पे लगाना सारे एप्स, ठीक है। सो वेटेज डिपेंड करते हैं, मान लो हमें एक एक एस्पेक्ट पूछा उस चीज का तो हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें कि ये सारे पॉइंट्स का भी एक्सप्लेनेशन दें। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। आप यूपीएससी कुछ भी पूछ ले, आपने कंसर्न ये रखना है हमेशा कि क्वेश्चन कैसा है। दिखाना सब कुछ है, इट कैन बी 70-30, इट कैन बी इवन 80-20, इट कैन बी 40-40 एंड देन 20% यू कैन गिव वे फॉरवर्ड फॉर योर ओन इनोवेशन। मान लो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द चैलेंजेस रिगार्डिंग द फार्मर फर्टिलाइजर, सजेस्ट सम रेमेडियल मेजर्स फॉर दैट, तो उस क्वेश्चन में हम सारी दिखा दो कैसे दिखाएंगे, फिर तो सारी आ जाएंगे, ये चैलेंजेस तो हर लेवल पे हैं। आपको ये दिखाना है कि चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू फार्मर फर्टिलाइजर रिलेशनशिप इज आर मल्टी डायमेंशनल, दीज चैलेंजेस आर फ्रॉम द प्रोड्यूसर गवर्नेंस और प्रोड्यूसर पॉलिसी ट्रेड या मार्केट जैसे भी बोलो एंड टेक्नोलॉजी साइड है ना, प्रोड्यूसर टेक्नोलॉजी यूटिलिटी मार्केट ट्रेड दिस काइंड ऑफ इन विच द फार्मर्स रोल इज क्रिटिकल। फार्मर का क्रिटिकल रोल पहले बता देना, बाद में फिर सारे लिखने जरूर, एटलीस्ट इतना इतना तो मेंशन करने के लिए, ठीक है। नंबर ऐसे आएंगे क्यों तुम्हारे, तुम एक नोटिस करो कभी भी यूपीएससी में 10 में 10 भी नहीं आते, सारे लोग कहां फोकस करते हैं, इधर ही करते हैं एक, बाकी छोड़ो। इसको जस्टिफाई करने में 250 वर्ड निकालते हैं, 10 में से 8 तक भी ले सकते हो आप, ये इतने टेक्निकल क्वेश्चंस हैं और इसमें मैथ्स की तरह नंबर आने चाहिए इकोनॉमी में, सबसे बेस्ट चीज तो यही है कि इसमें एनालिसिस भी है और मैथमेटिकल फॉर्मूलाज भी है, इस तरह का फॉर्मूला, इट्स अ साइंस ना, इट्स नॉट एन आर्ट, सो इसीलिए नंबर भी उस तरह से आते हैं। अगर आपने वो डायमेंशंस कवर कर ली कि हाँ यार 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये फॉर्मूला लगाओ चलता है, ठीक है, राइट, श्योर, चले आगे। Any doubts so far? Online centers? Clear? Yes, sir. Okay. So, let's go to pesticide. अच्छा एक और आम धारणा है कि पंजाब में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बड़ा यूज होता है, ऐसी आम धारणा है, कैसे ही एक्चुअल में सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना
उसमें पेस्टिसाइड की यूजेज होती है 1800 ग्राम पर हेक्टर एवरेज। जो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजर की यूजेज होती है 1000 ग्राम पर हेक्टर मैक्सिमम, जो एवरेज आती है आज तक, ठीक है। जनरल ट्रेंड इज 800 ग्राम पर हेक्टर आती है हमारी ऑलमोस्ट, ऐसे मान के चलो। अब पंजाब में जो ये एक्चुअल में पेस्टिसाइड की यूजेज आती है वो है 500 ग्राम पर हेक्टर, ठीक। तमिलनाडु में जो आती है वो है 1600 ग्राम पर हेक्टर। पेस्ट की प्रॉब्लम एक्चुअली है कहां? जहां पे पानी ज्यादा हो, जहां पे ह्यूमिड हॉट क्लाइमेट हो, ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो, पेस्ट वहां ज्यादा होता है। और जहां पे एक ही तरह का क्रॉप हो, एक ही तरह का स्टेबल इकोसिस्टम रहे, पेस्ट वहां ज्यादा होता है। तो जहां पे भी राइस आफ्टर राइस कल्टीवेशन की जाएगी वहां पे पेस्ट प्रॉब्लम आएगी। तो राइस और कॉटन ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जहां पे पेस्टिसाइड की एज इट इज सबसे ज्यादा जरूरत होती है इंडिया में, इन दो पर्टिकुलर क्रॉप्स पे, ठीक है। एंड साउथ इंडिया में ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे ज्यादातर राइस आफ्टर राइस कल्टिवेशन। नॉर्थ इंडिया में कम होती है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे चेंजिंग है राइस व्हीट लाइक दिस। सो हमारे क्योंकि सब कुछ बदलता रहता है इसलिए पेस्ट भी लंबा नहीं चलता, उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ यू हैव टू थिंक लाइक पेस्टिसाइड यूसेज सबसे ज्यादा मैक्सिमम इन राइस एंड कॉटन, फिर साउथ is greater than north, फिर developed is greater than developing। यहाँ पे थोड़ा सा food integrity issue करता है। So this is the usage part of pesticide. Okay, now is the abuse part. There is use and abuse, right? Because which and how much are always a question mark for our farmers, and this question mark is basically an information asymmetry issue. The market, the companies, the local vendors, they create this information asymmetry. And how can this information asymmetry be collected or corrected? Agriculture universities have to play a certain role. They can only correct this information asymmetry because at the ground level other dissemination channels have failed. Because when you watch DD Kisan, when you watch a particular serial or anything that is coming on pesticide usage, you are not making notes as a farmer. You are just entertaining yourself. Yes or no? That's not a true information dissemination. It's entertainment as well. It's infotainment. Yes or no? So person is not sitting with a pen and a paper and they're not taking a class on DD Kisan. They're only showing best practices, and not in your area those best practices can be replicated every time. So when you go to the vendor, usko puchoge ye TV pe dikhaya tha ye wala hai aapke paas? Are wo bekar, wo bahut mehanga aata, tum ye dekho isse bahut badhiya result aayega. वो क्या करेगा जग? दो बार सलाह करेगा किसान कॉल सेंटर पूछेगा, वो ही बोलेंगे हाँ ठीक है फिर आपके यहाँ नहीं मिल रहा तो बोलेगा, समझ रहे? सो दिस इज द इशू, ओके। सो देयर इज यूज एंड अब्यूज ऑफ पेस्टिसाइड, और इसी से सारी पेस्टिसाइड की फिर प्रॉब्लम आती है। फिर क्या है? स्पेसिफिसिटी वर्सेस जनरलिटी। कुछ पेस्टिसाइड से आप स्पेसिफिक पेस्ट को टारगेट करते हैं और कुछ से आप जनरल को टारगेट करते हैं। स्पेसिफिसिटी तो ठीक है, पर जब जनरलिटी को टारगेट करते हो तो फिर इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के इश्यूज आते हैं। इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, दैट्स व्हाट यू हैव टू देन डील विद। ऑब्वियसली सो इफ देयर इज अ पेस्टिसाइड दैट कैन किल अ पर्टिकुलर पेस्ट यू टारगेटिंग एंड एज वेल एज यू, definitely we are having a trouble. So what we need? Specificity.
But we need to avoid generality in usage of pesticides. Alright, okay. There's one more with respect to pesticide, biopesticides. Heard of this? Biopesticides and integrated pest management. Biopesticides and integrated pest management. ये तो हर जगह ही है. Irrigation में integrated water management, M.S. Swaminathan की contribution है. Fertilizer में integrated fertilizer management, solutions में लिख सकता हूँ. वहाँ पे integration का मतलब ये होता है कि एक को दूसरे के हिसाब से देखा जाए. जब भी solution suggestion लिखनी है ना, एक तो लिख ही देना integrated this dash management. ठीक है. रायट्स का भी सोल्यूशन लिखना हो ना, इंटीग्रेटेड रायट मैनेजमेंट. इट्स लाइक दिस. ये एक सजेशन तो हर जगह काम कर रहे थे. इंटीग्रेटेड डैश मैनेजमेंट. हाँ, साइबर सिक्योरिटी, इंटीग्रेटेड साइबर मैनेजमेंट. कुछ नहीं फर्क पड़ता, आपका एक पॉइंट बन गया. ओके. फिर एक और बात यहां पर जुड़ती है. देखो, हमने जो अभी तक टारगेट किए that is relevance, that is equity, that is value, and now what we have to target is change. ये चार words भी बड़े काम हैं. Relevance, equity, change and value. जैसे यहाँ पर 20 word book मैट्रिक्स है, वैसे ये चार वर्ड्स में रेलेवेंस, इक्विटी, चेंज एंड वैल्यू. अब पेस्टिसाइड में भी कई बार आपका पेस्ट जो है वो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट हो जाता है, सो फर्क ही नहीं पड़ता. आप सेम अप्लाई करते रहते, आपको लगता है कि स्पेसिफिक पेस्ट के लिए बना था. जैसे बीटी कॉटन के अंदर देयर वाज अ क्राई वन एसीटॉक्सिन टू डील एज अ पेस्टिसाइड फॉर बोन वॉर्म. यस और नो? But over a period of time, this ball worm got adapted to your what? Bacillus thuringiensis, cryoanisotoxin. So now what is happening? You need to change the pesticide. So this is very important. Because over a period of time, whatever pesticide you use, they are going to become accommodated to it, adapt to it, and then again you'll have to change it. Okay? So change is very important in terms of pesticide. If you don't change, again you're going for a problem. और ये होता नहीं हमारे यहाँ पे. क्योंकि मार्केट लेवल पे चेंज कब होगा? जब मैन्युफैक्चरर लेवल पे चेंज होगा. और ये चेंज के लिए चाहिए क्या? R&D, जो करते हैं तैयारी नहीं करने के लिए. एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो R&D भी नहीं होता. फिर जब पता लगता है पीली कुंगी की प्रॉब्लम, सफेद मक्खी की प्रॉब्लम, हम पूरी कनक खराब हो गई, पूरा ये खराब हो गया, फिर बढ़ते हैं पीछे उसके. क्यों? पहले तो देखते ही फिर चेंज करना पड़ता है, R&D करना पड़ता है. समझ आए? ओके, दैट इज पेस्टिसाइड. व्हाट द आईडिया? प्लास्टिक वेस्ट. प्लास्टिक वेस्ट कहां पे? पेस्टिसाइड मतलब उसके इतने जो कैंस जो वेस्ट में जाते हैं. अच्छा, यू विश विश शुड आई पुट इट न्यू? नहीं नहीं, यही डालना है. वी शुड आई पुट इट usage, innovation. Where should I put it? I'll put it here. Use of plastic waste. Or I should actually put it here. Integrated pest management. It's actually a part and parcel of integrated pest management. It's not a part different from it. जो अलग अलग टेक्निक्स हैं जहाँ से हम पेस्ट का अटैक रोकते हैं, वो सारी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आते हैं. प्लास्टिक वेस्ट इज वन ऑफ देम. और कुछ सब्जेक्ट? नाउ लेट्स गो टू अनदर वन. अभी सोचो हम इनपुट्स पे. आर यू एबल टू अब्सॉर्ब ऑल्सो? क्या मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ? चुप चुप से बैठे जा रहे हैं. अच्छा, चलो कुछ तो होगा. वन मोर लेबर, दैट्स अनदर इनपुट.
Okay, so for agricultural labor, what is important for me? First of all, availability. Means quantity. Export it easily, quantity. And second, quality. So quality ke terms mein I am looking for skill. Availability ke, quantity ke terms mein I am looking for price. There is an input cost, rather A2 plus effort. Yes. So in terms of quantity, I am looking for price. In terms of quality, I am looking for skill. I am not looking for a long-term relationship. Yeah, I am looking for skill. So this is essential. So labor ke times mein to aapne do hi baat hai. Phir ek aur aspect se agar aapne labor ki baat karni hai, to wo hai gender. हम बोलते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, या फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. क्यों? बिकॉज मेन गो टू द अर्बन सेंटर्स टू फाइंड ल्यूक्रेटिव जॉब्स, व्हाइल वुमेन स्टे बैक एट होम, लुक आफ्टर द फील्ड्स एज वेल एज द किड्स एंड द फैमिली. गॉट इट? सो दिस इज द फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर. ठीक. तीसरा जो एस्पेक्ट आपने यहां पर देखना है वो है लैंडलेस लेबर. अब लैंडलेस लेबर के बड़े इश्यूज हैं. इनको तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी नहीं मिलेगी. है किसान? है तो किसान ही, पर लैंड नहीं है. दे डोंट ओन एनी लैंड, स्टिल दे आर इन एग्रीकल्चर, सो दे आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट ऑफ योर एग्रीकल्चरल स्कीम्स. आउट ऑफ द 47.5% इन एग्रीकल्चर, दे आर अ बिग पार्ट. सुनो, but because they are landless laborers, they don't get anything. If they are family labor, they get everything. What they did? If they are family labor, they are also calculated in CACP formula. If they are family labor, they are calculated in Kisan Samman Nidhi formula and every kind of formula that you want to make for the farmer. But the same benefit is missing for landless labor. Getting my point? Again, you have to use it. So, devoid of benefits. Now and before. Why I call it this way? Before we had land reforms, the point was to give land to the landless. Redistribution of land to the landless. Never happened. Only in two states, West Bengal and Kerala, it happened properly. Rest of the states, it never happened. Yes or no? So that's why before also they were devoid of benefits. Now also they're devoid of benefits. Before miracle land reforms, now all of me, we miracle PM Kisan. This is one example. There are many. ठीक है, तो जब लेबर की बात करनी है तो स्टार्ट करें क्वांटिटी, क्वालिटी, जेंडर, लैंडर्स. उसमें तो मिलता है ना सर, किसी किसी में स्टेट स्पेसिफिक है, नेशनल नहीं. तो उसमें तो आप दिखाओ एग्जांपल कि हाँ, दिस इज द पॉजिटिव इंटरवेंशन इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट. तालिया स्कीम के अंदर है डेफिनेटली. अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो आने वाले हैं तो उसमें भी वो बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर pension they will create, yes, for the unorganized sector labor. This is very much an unorganized sector labor only. Yeah, so shram dhan kya tha, shram man dhan yojana, shram yogi man dhan yojana. Yeah. In that, what they're trying to create, same kind of pension system for them. But pension is when they go into retirement. What before that? When they are a labor, nothing. It's when they're retiring something. तू तो पहली थे नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम. तुमने क्या किया? नाम दो दिया उसका आगे. नहीं, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम था या नहीं? अब तुम बोलो श्रम योगी मानधन योजना, तो बाकी क्या थे? सारी उम्र कोई श्रम नहीं किया. ठीक है, ओके, दैट इज लेबर.
time you will give in this class is time limited. That's the issue. We have to finish by one. So, कभी कभी मैं दो चार चीजें छोड़ रहा हूँ बीच में consciously. अंदर से मेरी आत्मा मुझे बता रही है पर इतना ही चलेगा अभी. और आप इतना ही observe कर लो बहुत है. Points के. ठीक है. What else? Inputs के साथ. Major inputs हमने कर लिए cover. अब जो next input है, I'm writing it here. Technology. टेक्नोलॉजी एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह की लिंकेज है. लेबर यहां तक जो लिंकेजेस आ रही थी दे आर ओनली बैकवर्ड. ठीक है. इनपुट्स के लेवल दिस इज अ फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड लिंकेज. ये सारी थी डेफिनेटली बैकवर्ड लिंकेज. नॉट इट. ओके. नाउ e-technology need of farmers. आपका है ना एक टॉपिक है ना e-technology need of farmers. How can it help? How can it help? Information. Idea दूँ? अपना 20 word matrix use करो. What is technology? Is it a process? Is it an institution? Or is it people? Where does technology as a word find relevance for you? All three. The technology should be people based or process based. First we say people based. Yes or no? That's right. So as a process by itself, when it is people based, what else can technology bring you? Clarity, completeness, inclusiveness, rationality. Char dimensions thi aapke paas. So technological clarity within the farmer as to what seed, what fertilizer, what pesticide, what mechanization, everything. So it provides clarity. Yes sir? Second, it provides completeness. Abhi dekhna kaise. Third, it provides inclusiveness. Abstractly to use karke dikhana tha aapko. Fourth, it provides rationality. बिना पढ़े कैसे आंसर होता देखना. सो व्हेन आई से क्लैरिटी, हाउ विल टेक्नोलॉजी हेल्प मी बिल्ड क्लैरिटी? गिव मी एन आंसर. इंफॉर्मेशन अवेयरनेस है ना. यू मेक पीपल अवेयर. ओके. सो यू मेक पीपल अवेयर. अवेयरनेस. आई कैन स्प्रेड इंफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी. देयर इज अ होल भारत नेट प्रोजेक्ट फॉर दिस पर्पस. आई गिव यू एन एग्जांपल आल्सो. भारत नेट डीडी किसान कृषि विज्ञान केंद्र. व्हाट आर दे डूइंग? दिस ओनली. यस ऑर नो? सो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड क्लैरिटी इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दैट यू नीड फॉर मॉडर्न डे एग्रीकल्चर. गॉट इट? देन टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स कंप्लीटनेस. सी, व्हेन इज अ फार्मर्स जॉब कंप्लीट? इज इट जस्ट हार्वेस्ट? Is it just plantation? It's also marketing. So it should be end-to-end. Yes or no? So technology helps in end-to-end. Yes or no? So from input to output, it integrates the whole value chain. Integration of value chain. One example I can give you is ENAM. It's the integration of value chain. It's the producer and supplier. It's the market, it's the input, it's the output. Everything coming together. Integration of value chain. Integrated anything. It's a solution. Okay. Then, inclusiveness. So, if I have technology, I know how to build agriculture in Northeast. I know how to build agriculture in Rajasthan. Yes or no? If I have technological agreements, I know how Israeli agriculture can help Indian agriculture. Yes or no? Again, it's a matter of inclusiveness. So, technology can help ensure inclusiveness in agriculture practices, agriculture technologies, agriculture knowledge, everything.
So in terms of practice, theory, knowledge, etc., I can build inclusiveness through technology. Maybe it is at national, regional, international, whatever level. So national, international, whatever level. See, most of the things we copy paste now. Internet se uthaya, farmer ne dekha YouTube pe do char videos kaise ye cultivation karna hai, kar diya. What is this? Inclusiveness only? Pehle usko nahi pata tha, ab kya pata hai? Rationality. Rationality word ka matlab hota hai mean and correlation. Ki ye karunga to yahan tak pahunchunga. Aur ye technology se better kaun karta hai? Science and tech se better. Koi usme ambiguity nahi hoti. Rationality is a what? Antithetical to ambiguity. So it just establishes mean and correlation in agricultural practices. And yeah, one aspect. Just technological clarity, completeness, inclusiveness, rationality. These are the four things it brings. There are many other things it can bring. It can go on. It can be enabling. So I'll put it here. I know. It can be making things affordable. Yes? So, affordable, accessible, enabling, democratic agriculture. याद है इंस्टीट्यूशन के लिए लिखा था ये चार वर्ड्स अफोर्डेबल एक्सेसिबल इनेबलिंग एंड डेमोक्रेटिक एग्रीकल्चर नॉट गो रॉन्ग डेफिनेटली डेमोक्रेटिक एग्रीकल्चर डेमोक्रेटिक एग्रीकल्चर मींस यू गो फॉर डिमांड एंड सप्लाई यू क्रिएट व्हाट द डेमोक्रेसी रिक्वायर्स not what the export requires or not what the other things require. You talk about food security, it's democratic agriculture. You talk about income security, it is democratic agriculture. So food security for the people, income security for the farmers, that is democratic agriculture. This can be ensured by technology. Okay, so democratic agriculture, food security for people, income security for farmer. This is essentially democratic agriculture. Something that creates consumer sovereignty and farmer prosperity is also democratic agriculture. Got it? अब टेक्नोलॉजी से बाहर आते हैं नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे ये सारी जो है हमारी ये बैकवर्ड लिंकेजेस हैं हार्वेस्ट तक ये सारी काम है अब पोस्ट हार्वेस्ट कैसे है वहां से मैं वैसे तो काफी चीजें यहीं पे लिंक कर चुका हूं एनीहाउ सारी पॉलिसी इंटरवेंशन है ए टू जेड तो वो मैं यहां पे अब आउटलाइन करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा कि जब मैंने कहा था कि दिस इज द टाइम दिस वाज द रिक्वायरमेंट एंड दिस वाज द पॉलिसी रिस्पांस ये टेबल आपको पूरा मिला हुआ है
1947 से लेके 50 तक क्या रिक्वायरमेंट थी, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, लाइक दिस देखा था ना। अब वो टेबल आपका बेसिकली पॉलिसी रिस्पॉन्स है जो बीच में मीडिएट करता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड थिंकिंग, ठीक है, उसका काम यही है। अब आ जाओ फॉरवर्ड थिंकिंग इस पे, तो ये वहां से फिल करना है, लिख लो पॉलिसी वाला एस्पेक्ट, रेफर मटेरियल पेज 1 टेबल जो उसमें दिया हुआ, वो अपने आप में क्वेश्चन का आंसर है। सो लेट्स वर्क ऑन फॉरवर्ड लिंकेजेस इन एग्रीकल्चर, यहीं से शुरू करता हूँ थोड़ा सा, रिक्वायर बोर्ड स्पेस। फॉरवर्ड लिंकेजेस इन एग्रीकल्चर, व्हेन यू थिंक, लेट्स से यू आर डन विद हार्वेस्टिंग, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू कम अक्रॉस? No. Storage. And the first thing that has to happen is storage. Yes? Second thing that has to happen, a kisan, second thing kya karta hai? Transportation. Kabhi kabhi, aapke product ko in dono ke beech mein ek aur cheez chahiye, processing. On farm, processing. Washing maybe. Drying, cooling, yeah, all this. So it can be washing, drying, cooling. WDC बोलते हैं. So WDC process. Washing, drying, cooling. ये required होता है कभी. फिर ही transportation में जाता है. ठीक? Transportation के बाद क्या चाहिए? कहीं तो लेके जाओगे? Marketing. Very good. So next thing that you need is a market. पर मार्केट क्या सिंपली बायर एंड सेलर है? मार्केट में क्या क्या है? फार्मर इज द सेलर, देन देयर इज अ इंटरमीडियरी, देन देयर इज अ पॉलिसी, एंड देन देयर इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देन देयर इज अ buyer. There is also price somewhere in there. Yeah? Market is not that simple. Now, sometimes the seller is farmer himself. And sometimes it is FPO. Farmer producer organizations. Sometimes the intermediary is ENAM. Private markets, RTRs, and APMCs. I'm putting them in one. Sometimes it is Grams, Grameen Agriculture Markets, Rural Hearts. Intermediary, आप सिर्फ इतना बस समझो कि RT. No. आज तो intermediary का equation change हो गया. पहले होता था सिर्फ आरती और एपीएमसी, अब तो इंटरमीडिएट इक्वेशन बदल गई है, आया ना? अच्छा, फिर व्हेन यू से पॉलिसी, सो देयर इज डेफिनेटली प्राइसिंग पॉलिसी, यू नो ऑलरेडी अबाउट इट, एमएसपी एंड एवरीथिंग। शुड आई वेस्ट टाइम देयर? 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी दिया, इस पर कितने के लिए दे सकते हैं? 26 के लिए दे सकते हैं, तो ये डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द सीजन दे विल गिव, ये सुन, तो 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी देता कौन? सीएसी अप्रूव कौन करता है? सीसीईए करता है। ये सब तो यू ऑलरेडी A2+FL फॉर्मूला है, एमएस स्वामीनाथन कमेटी क्या बोला? C2 होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। फर्क क्या है A2+FL और C2 के अंदर? A2 इज ऑल काइंड्स ऑफ इनपुट कॉस्ट्स, FL इज फैमिली लेबर, प्लस इफ यू एड imputed rent, imputed interest, and on capital you have imputed interest, then on land you have imputed rent, one more thing, what is that? कुछ नहीं, आपको परेशान कर,
ये दो ही एक इम्प्यूटेड रेंट ठीक ये होना चाहिए और साथ में क्या है इम्प्यूटेड इंटरेस्ट. तो अगर बिग फार्मर है वो अपना कैपिटल खुद यूज कर सकता है तो फिर वो इम्प्यूटेड इंटरेस्ट जोड़ना बनता नहीं. स्मॉल फार्मर के लिए तो सेंस बनता था. अगर इसी तरह से लैंड उसका खुद का है उस पर खेती कर रहा है ठेकेदारी पे नहीं ली हुई तो भी वो बिग फार्मर की तरह ही है ना. तो वहां पे जो इम्प्यूटेड रेंट है वो नहीं जोड़ना बनता. इसलिए सरकार A2 प्लस FL से स्टिक किया हुआ है C3 पे नहीं गया C2 पे नहीं गया लाइक दिस. तो A2 प्लस FL से इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा है. FL को हम देते हैं इम्प्यूटेड लेबर उसको इस तरह से बोलते ठीक है. सो CACP का फॉर्मूला इज जस्टिफाइड विद इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर हैविंग फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स 85% बिलोंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी. That's why A2 plus FL is justified. Yes, C2 is not justified because it will target only 15% of big farmers. उधर ज़्यादा इसका beneficial aspect जाएगा. पर इसी केस में अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को डालोगे फिर भी सेंस मिलेगा. वो सबको क्यों एक्सटेंड कर दिया फिर एक पन्ना पड़ता वो तो पॉलिटिकल एक्सटेंशन और तो कुछ नहीं. अगर आप दोनों फॉर्मूला रिजीम्स को कंपेयर करो तो फिर ये PM किसान बीइंग फॉर ऑल मींस पॉलिटिकल एक्सटेंशन. अदरवाइज द सेम लॉजिक कैन अप्लाई टू C2. समझ आ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर. सो पहले तो पक्का ग्राउंड शेड बेसिक्स जो मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. सो दैट इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. सेकेंड इज टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. थर्ड इज अगेन पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर. टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ईनैम पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर. अभी ईनैम में बहुत सारे स्टेट्स ने अपने इंटीग्रेशन कर लिया है और उनकी मंडियां जुड़ चुकी हैं और फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर जो ट्रेड है वो शुरू हो चुका है. तो उससे रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी प्राइसेस में हेल्प होगा. ठीक बात है. और बायर हु इज द बायर. It can be government at MSP, FCI and every organization there is. Yaad hai na? Aur kaun si organization hai? NAFED hai, TRIFED hai, jo tribal products leti hai. So there is FCI, NAFED, TRIFED, like this. Ye sari organization hi as it is hamare paas. एक बायर के तौर पे गवर्नमेंट के लेवल पे प्रोक्योरमेंट करती है. फिर आगे बिजनेस और मार्केट. अब बिजनेस एंटिटीज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यहां पे आती है. या तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू चलेगा. आई एम राइटिंग हियर इन पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तभी वो आ पाएगा ना. या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी अलाउ करेगा प्राइवेट प्रोक्योरमेंट कुछ चीजों के लिए. ठीक है, हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए है जैसे HVC, इसीलिए वो पैसे ज्यादा कमाते हैं. सिर्फ 22 नोटिफाइड APMC के अंदर जो कमोडिटीज हैं वो आपको APMC के रूल्स के थ्रू सेल करते हैं. बाकी तो आप जहां मर्जी बेचो जहां मर्जी प्रोटेक्शन. ठीक है, ओके. हु एल्स इज द बायर टुडे? एक्सपो. सो हियर यू नीड an effective export policy. अब agriculture commodities के export को लेके बहुत झमेला है. कल हमने देखा था, there is one APEDA and there are EEZ models which are not working out too much. Why? Because government has placed many agriculture commodities under essential commodities act. So because of that, we are not able to export them. Yes, sir. And because the demand at the domestic level is sometimes very high, again you're not able to export them. For example, sugar. Yes. Okay. What else? That's right. अब मुझे इसमें और क्या बड़ी चीज़ फिट करनी है? एक चीज़ छोड़िए सिर्फ मैं, जो मुझे इसी मार्केट पे फिट करनी है. दिमाग लगाओ. इंटीग्रेशन सर.
Very good. Why not? Why not? Integration. यही रहती है. सब अलग अलग चल रहे हैं. सबका लाइन ऑफ साइट एक जैसा नहीं है. ये लाइन ऑफ साइट कहां जाके होगा इंटीग्रेट? एग्रीप्रेन्योर. दे शुड इंटीग्रेट टुवर्ड्स क्रिएटिंग एग्रीप्रेन्योर्स एंड नॉट बॉन्डेड लेबर विच फार्मर्स आर टुडे. अंडरपेड लेबर को बॉन्डेड लेबर ही बोलते हैं हम. तो एमएसपी कभी भी पूरा नहीं पड़ता. आप जो मर्जी कर लो, डेढ़ गुना कर लो, जो मर्जी कर लो. Yes, what you need to converge towards is agripreneur. So all these systems need to integrate for creation of agripreneurship. ठीक है? That's market. अब इसमें बड़े सारे reforms नीति आयोग ने बताए थे. For example, price deficiency payment system instead of MSP. क्यों? क्योंकि MSP जो है वो यूपी, पंजाब, हरियाणा तीन चार स्टेट्स को ही ज़्यादा beneficial है. FCI के थ्रू ज़्यादातर प्रोक्योरमेंट्स खत्म हो जाती है बीस से और वो उठा नहीं पाते. ऑफ टेक उनकी लिमिटेड है तो इस वजह से देर इज अ रिस्ट्रिक्शन. तो MSP की जगह पे बाकी स्टेट्स में उन्होंने क्या किया? प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम. वो कहते हैं इसको ट्राई मारो. थ्री ईयर एनुअल एक्शन एजेंडा के अंदर ही आता है. इसमें यह था कि आप मार्केट लेवल पर अपना सामान बेचिए, कमोडिटी बेचिए, MSP से कम अगर आपका रियलाइजेशन होता है तो उस कमी का 10% हिस्सा गवर्नमेंट अपनी तरफ से भरेगी. सारा नहीं, 10% तक की अपर लिमिट तक का हिस्सा जो है गवर्नमेंट अपनी तरफ से भरे. दैट इज PDPS. ऐसी ही एक योजना है भावांतर योजना. ये किसके? MP. ठीक है ना? तो उसी को ये रेप्लिकेट कर रहे हैं. इट्स लाइक अडॉप्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, इनोवेटिंग नेक्स्ट प्रैक्टिसेस. गॉट इट? सो दैट इज PDPS. दैट्स व्हाट दे वांट टू स्टार्ट. सो राइतु बंधु, व्हाट इज बंधु एंड बंधु एंड सो इस तरह की भी स्कीम्स हैं. ये भी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन लेवल की स्कीम्स हैं. ठीक, हरियाणा के अंदर भी ऐसी स्कीम है PDPS जैसी जो डेयरी कोऑपरेटिव्स के लिए काम करती है. तो ये इस तरह का है एस्पेक्ट जो मार्केट रिफॉर्म्स में भी चल रहा है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम एग्रीकल्चर मार्केट में यही है कि दे आर रेगुलेटेड. आज के लिए दे आर स्टिल नॉट अ पार्ट ऑफ LPG. इंडस्ट्री इज पार्ट ऑफ LPG, इट हैज ग्रोन. सर्विसेज आर अ पार्ट ऑफ LPG, इट हैज ग्रोन. एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज बीन केप्ट डिवॉइड of LPG. So when I'm saying integration, that's what I mean. Integrate agriculture with the rest of the market ideology, structure and function. This is integration I'm looking for. Only then you reach agripreneur, otherwise not. You have to liberalize, privatize and globalize agriculture also, just like you did with industry and services. Please leave it out of your protective systems. That's what government needs to do. Stop intervening at the agriculture market level because your intervention is mostly political, it's not economic. It has always led to negative results, never led to positive results in long term. In short term, they seem good, but every short term advantage has come with a long-term disadvantage. So, but there are factors like food security and very poor farmers. There are many factors. See, why the government intervened in agriculture marketing policy in the first place is that both the consumer and the farmer were vulnerable. The only idea behind entering agriculture policy dynamics is both the consumer and the farmer are vulnerable, so government must intervene to protect the interest of the farmer as well as the interest of the consumer. That was the issue. That's why the whole agriculture pricing policies happened. Got this? But has it really been able to take care of farmer and consumer since 1947? Or since the establishment of CACP in 50s? Has this goal been secured? So logic is still correct. I'm not saying the logic is incorrect, that the farmer and the consumer are vulnerable and the government should intervene. But what should be the degree of intervention and what should be the nature of intervention? That's what the government should work on. Intervention is necessary,
लिख लो. इन एग्री मार्केटिंग एंड प्राइसिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट. पहले तो ये लिखो, इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट. फर्दर द डिग्री एंड नेचर ऑफ इंटरवेंशन नीड्स टू बी केयरफुली कंसिडर्ड. सेंसिटिव टॉपिक है फार्मिंग का, मुझे पता है, इसीलिए मैं सेंसिटिव आर्ग्यूमेंट ही दे रहा हूं. डिग्री एंड नेचर ऑफ इंटरवेंशन नीड्स टू बी केयरफुली कंसिडर्ड. हवा में तीर नहीं मारनी, सोच समझ के बात करनी है, कोई भी करनी है कि लॉन्ग टर्म रेप्लिकेशन क्या होता है. अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बिल्कुल हवा में तीर है, कुछ नहीं फायदा सब. पहले तो पहुंच ही नहीं, सब तक पहुंचेगा नहीं. और अगर आपने देने ही हैं तो एक मैकेनिज्म कुछ और बनाओ, बोलो फर्टिलाइजर सब्सिडी खत्म, ये शुरू डीबीटी आएगा. अब तुम फर्टिलाइजर के लिए इसको यूज करो और ये सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से आएगा. पैसे उतने लगने थे फार्मिंग बेटर है. तुम्हारे वो वाले जो एक्सपेंसेस अभी भी जा रहे हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी के, वो भी इसके साथ क्लब करके देते चाहे. एट ए लेवल अगर आप सोचोगे 6,000 तो ये हो गए, प्लस आपको क्या लगता है फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीड, लैंड रेवेन्यू, टैक्सेशन, ये भी तो सारी सब्सिडीज दे ही रही है ना गवर्नमेंट कलेक्टिवली अगर देखोगे. अब इतनी सारी सब्सिडीज जो दे रहे हो इनका कॉस्ट अगर कलेक्टिवली देखोगे तो काफ़ी आता होगा एग्रीकल्चर को लेके. डायरेक्टली कर लो फिर सेट, कोई सिस्टम बनाओ ताकि इनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो. डीबीटी कर दो चुपचाप इकट्ठा बोल के, दिस इज फार्मर सपोर्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्यों नहीं कर रहे सोचो. यहाँ पे सबसे बड़ा जो हिंडरिंग फैक्टर है हमारे लिए, ऑरेंज बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ये इसलिए इतनी तरह का गैमेट ऑफ सब्सिडीज बनाया हुआ रादर देन सिंपल इनपुट. ठीक है ना. सो यहाँ पे एक लाइन और इसलिए ऐड करनी, कीपिंग इसी में कंटिन्यू डिग्री एंड नेचर ऑफ इंटरवेंशन लिखा ना, कीपिंग इन लाइन विद द WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. Keeping in line with WTO agreement on agriculture, जहाँ पे हमारी सब्सिडीज के ऊपर लिमिट्स कितनी दे सकते. देरी हो तो गवर्नमेंट सीधा है, देरी है पर पंगा यहाँ पड़ता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. ठीक है चलो नेक्स्ट एस्पेक्ट. नाउ मार्केट में भी चला गया, बिक भी गया. अब इसके बाद इन्वायरमेंटल सिस्टम ना, अभी का एनवायरमेंट आप मार्केट से खाना लिया है या मार्केट में आप या तो गवर्नमेंट लिया है या फिर बिजनेसेस लिया है. हमने कहा ना खरीदने वाले कौन थे, बेचने वालों का काम तो हो गया, पैसे लेके काम करो. फार्मर इनकम का भी इश्यू इसी में आना है, एग्रीप्रेन्योर का भी इश्यू यहीं पे आना है, सब कुछ आ गया. अब इसके बाद आगे प्रोसेस रिटेलिंग क्वालिटी फूड मैनेजमेंट दैट इज वन जो हम बोलते हैं पीडीएस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. व्हाट इज सेइंग इज रिटेलिंग और वैल्यू चेन फूड मैनेजमेंट. दूसरा इसी के साथ रिलेटेड है वैल्यू एडिशन. Food management, value addition. Food management में you got the whole system. PDS. दूसरा food security, National Food Security Act. और PDS कैसा है आजकल? TPDS. Targeted Public Distribution System. So this is one. There's one more. Open market sales. That's also being done by government. To handle demand supply shocks. There's one more. Exports. पर हो नहीं पाता क्यों? Certification नहीं है. ठीक है? So anyhow, value addition में क्या है? Standardization. Segregation.
certification and processing, standardization मतलब quality, आलू कितना बड़ा, कितना छोटा, कितना मोटा, like this. Then segregation, इनको अलग अलग करना, इस size के इधर छांट दी, इस size के उधर छांट दी. Then certification, ताकि export हो पाए, ताकि domestic market में sell हो पाए, organic है या inorganic है. सर्टिफिकेशन के बिना होगा क्या? ठीक है ना, एक्सपोर्ट क्वालिटी है या नहीं, सैनिटरी फाइटोसैनिटरी या एसपीएस सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, दिस इज आल्सो सर्टिफिकेशन. विदाउट दैट कैन यू कैन नॉट एक्सपोर्ट इट, यू कैन नॉट सेल इट एट अ प्रॉपर प्राइस. तो प्रोडक्ट वही है, बट इफ इट गेट्स अ टैग ऑर्गेनिक, इट सेल्स एट हायर प्राइस. कल हमने बात किया, इफ इट गेट्स द टैग एसपीएस, इट कैन बी एक्सपोर्टेड. प्रेजेंटली देयर आर 67 डिफरेंट टाइप्स ऑफ pesticides found in your fruits and vegetables. That's why they fail on the SPS count, and that's why they can be limitedly exported. Now that you go organic, your export leverage can also increase, your export opportunities will also increase. And then there is processing. So you got mega food parks these days, and I'm putting this in the one Sampada Yojana. Whole of the processing, food processing industry has been put there in the Sampada Yojana, scheme for agro marine processing and development of aquaculture or agriculture. Scheme for agro marine processing and development of that's all. So after valuation, what next? You got food management, you got food security, you got valuation done. What next? Branding. Branding. Certification. We'll do it. You're leaving one particular part. Agri waste management. End to end. Agri waste management, like your, what you can say, rice stock, the bachata wapas mein, hai na? So stubble burning and everything, and how can it be handled? So kal humne is pe bhi baat kiya tha, agri waste management. Ab ye iske liye aapke solid waste management rules jo bane hain, ki kitne kargar hai, kya ye agri waste pe bhi lagu honge? Nahin. क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स तक सीमित है. इनकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है? म्यूनिसिपैलिटीज में. पंचायती राज तक इसको एक्सटेंड करना बनता है, तभी जाके इनको यहाँ कहीं यूज कर पाओगे. फिर इसको वैल्यू चेन में, एग्रीकल्चर में आप कहाँ लेके आ रहे हैं? अब जैसे शुगरकेन में तो कोऑपरेटिव फार्मिंग होता है, तो उसमें तो शुगर मिल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है इन्वॉल्व, तो जितना भी रफेज बचता भी है, मोलासेस और द चैफ, बोथ आर यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, इन केमिकल इंडस्ट्रीज, इन अल्कोहल एंड मेनी अदर थिंग्स, यस सर, पेपर इंडस्ट्री. सो दे टेक अवे ऑल द एग्री वेस्ट, बट द वैल्यू चेन इंश्योरेंस और बिल्डिंग अप इज नेसेसरी हियर. बिल्ड अप, यस सर. तो ये दो एस्पेक्ट से इसको देखना है, एग्री वेस्ट मैनेजमेंट. दिमाग गर्म तो नहीं होना शुरू हो गया? अच्छा, अब मुझे बताइए क्या रह गया? क्या रह गया इस पे हमने बात की? एग्रीकल्चर के अंदर वो तो करेंगे, करंट इशू में मैं बताऊंगा. एसडीजीज, हां एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो इधर भी उसने तो जो मर्जी डाल देना. थिंक थिंक, वी डन फॉरवर्ड, वी डन बैकवर्ड, वी डन द पॉलिसी.
and that's it, that's the structure of agriculture. Ab dekho issues and then you place them in the structure. क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर पे वो आपके डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं, तो वहां से करें, ठीक है? जो बचे हुए कुछ तो मैंने कल ही दे दिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके डॉक्यूमेंट में वो कर लेना। अच्छा, एक्सपोर्ट्स के मामले में एग्रीकल्चर को कैसा करना चाहिए? हम एक्सपोर्ट्स पूरे खोल देने चाहिए? हमने एक्सपोर्ट्स नहीं सर, पूरे खोल देने चाहिए कि रिस्ट्रिक्शंस अभी लगाने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर बात करनी है, वो नीति आयोग डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, उन्होंने यही स्टैंड रखा है कि इसको खोल देना चाहिए, क्योंकि जब हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं अल्टीमेटली तो फिर फार्मर की इनकम में रिस्ट्रिक्शन ही क्रिएट करते हैं, कोई आगे बढ़ाता ही नहीं, फिर कंपटीशन भी तो जनरेट करते हैं, कंपटीशन भी जनरेट करते हैं, एक्सपोर्ट्स कंपटीशन जनरेट करते हैं, एमएनसीज के थ्रू वर्कआउट बनता है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, अब इश्यूज नोट करो जरा फटाफट। फर्स्ट इज प्रमोटिंग एग्रीप्रेन्योरशिप इन इंडिया, promoting agripreneurship in India. ठीक, दूसरा farmer producer organizations, comma rational and concerns, farmer producer organization, rationale and concerns. These are shortcomings in Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme. Next one, evaluation of farm subsidies and their implications और मिसमैनेजमेंट इम्प्लीकेशंस, ब्रैकेट में लिखो कौन कौन सी करनी है आपने इम्प्लीकेशन कवर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अनरेगुलेटेड यूज, क्रॉपिंग पैटर्न, इन तीन लेवल पे आपने उसकी इम्प्लीकेशन स्टडी करनी है। और सजेशंस क्या हैं? कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? अच्छा, उसकी आप unregulated use and cropping pattern, इन तीन पे implication आएगी farm subsidy। और करना क्या पड़ेगा, suggestions क्या हैं वो भी लिख लीजिए, rationalization, अलग अलग तरह की देने की बजाय पहले देख लो कितनी देनी है, long term क्या होगा, direct transfer, exports, land एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये चार लेवल पे वर्कआउट करने की जरूरत है जो आप दोगे। ठीक है, फिर उसके आगे एग्रीकल्चरल क्रेडिट नेक्स्ट इश्यू एग्रीकल्चरल क्रेडिट हाइफन डाल के लिखिए, आरबीआई स्टडी its concerns and solutions, RBI study its concerns and solutions, पता है ना RBI का study हुआ था, क्या बोला वो, have you studied or not? What is RBI study on this? RBI ने बोला there is no statistical causal relationship between agriculture growth and credit cycles in India. There is no causal relationship between agricultural growth and credit cycles in India. This is a statement by RBI. Comment, aise aaya. There is no statistical causal relationship between agricultural growth and credit cycles in India. Examine, aise bhi bol sakte hain, comment bhi bol sakte hain. ठीक है, तो इसको पढ़ना, इसके बारे में हिंदू बिजनेस लाइन में बहुत आर्टिकल आया था किसी टाइम पे, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी ऐसा डेटा सा होगा मैं सोर्स बता दूंगा।
फिर नेक्स्ट नीति आयोग हाई पावर कमिटी फॉर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हाई पावर कमिटी फॉर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स आज तक ना तीन कमिटीज हैं जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में बड़ी मान्यता प्राप्त है पहली तो है एम एस स्वामीनाथन लिख लो फर्स्ट एम एस स्वामीनाथन ये क्या था नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स दूसरी है शांता कुमार ये क्या था फूड सेक्टर रिफॉर्म्स फूड सेक्टर रिफॉर्म्स फिर है अशोक दालवाई ये क्या था डबलिंग फार्मर इनकम और अब बनी है हाई पावर्ड कमिटी ऑन एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स सो ये चीफ मिनिस्टर्स वगैरह की है सो आपको इसके बारे में पढ़ना क्या है चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस क्या चैलेंजेस हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं अशोक दालवाई डबलिंग फार्मर इनकम सो चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस बेसिकली इस कमिटी ने छह एरियाज पे काम करें तो ये छह एरियाज हमें ध्यान से देखने चाहिए पहला सिक्स एरियाज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर तो कहां देखा इनपुट या आउटपुट इनपुट मैंने एक चीज बेसिकली इनपुट के लेवल पे छोड़ी है वो है एग्री फाइनेंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इन फाइनेंशियल सिस्टम ठीक है वो भी एक तरह का क्रेडिट कैपिटल जो है वो एग्री फाइनेंस वहां पे आता है ना किसान क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम सारी चीजें आती हैं ठीक है देन लॉजिस्टिक्स इनपुट्स में आप लिखना चाहते हो तो पहले पीछे जाके लिख लो एग्री फाइनेंस सिर्फ इतना एग्री फाइनेंस रेफर प्रीवियस नोट्स इट्स अ पार्ट ऑफ एग्री इनपुट्स ओनली सो दूसरा था लॉजिस्टिक्स है वैल्यू एडिशन चौथा है मार्केटिंग सपोर्ट पांचवा इरिगेशन छठा लेजिस्लेटिव चेंजेस कैन यू रिपीट इक्वली रिपीट कर दो ओके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक्स वैल्यू एडिशन मार्केटिंग सपोर्ट irrigation and legislative changes policy level pe kya change hai next issue maharashtra civil disobedience movement against gm crops civil disobedience movement for gm crops sir inhone bola ki gm crops ko ban karna chahiye na for gm crops they were protesting to adopt that so that is why I said for gm crops और उन्हें करना भी शुरू कर दिया अपने लेवल पे प्लांट करना शुरू कर दिया बेसिकली दे आर वर्किंग अबाउट हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल एचटीबीटी ठीक है तो ये पढ़ना है सो महाराष्ट्र सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर जीएम क्रॉप्स नॉट अगेंस्ट फॉर देन डिक्लाइनिंग वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर Declining women workforce participation and its impact on agriculture. So for this, there was an article in the Hindu on women workforce participation. So look into that. Then protecting seed sovereignty. There's the PepsiCo case. Protecting seed sovereignty. तो कुछ प्रोप्राइटरी सीड्स का इश्यू है यहाँ पे जो पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स बेसिकली इज इलीगली ग्रोइंग एंड सेलिंग ए पोटैटो वैरायटी व्हिच इज रजिस्टर्ड इन इट्स नेम सो दैट्स द इश्यू सो दैट इज अ पेप्सिको इश्यू ठीक है सीड्स हो गए फार्मर के अपने हिसाब से कर सकते हैं पेप्सिको अपने हिसाब से करेगा नेक्स्ट नाफिस रिपोर्ट कल भी बात किया था नाफिस रिपोर्ट ऑफ नबार्ड एंड इट्स इम्प्लीकेशंस विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल इंक्लूजन
implications with respect to financial inclusion. Next, tenant farming in Indian agriculture. Next, Kalia scheme of Odisha, Krushak Assistant for Livelihood and Income Augmentation. Next, sugarcane farmers protest in Maharashtra. Sugarcane farmers protest in Maharashtra. Next, India's rice export and drain of water. Next, MSP for minor forest produce. MSP for minor forest produce. Next, agri credit systems and farm loan waivers. अब इन इश्यूज को जब भी आपने रिसर्च मारना है दो तरीके बता इतना लिखना और एंड में लिखना है हिंदू बिजनेस लाइन डोंट रीड हिंदू बिजनेस लाइन उसमें आपको इकोनॉमिक डेटा मिलेगा साथ में अगर आप अकेला हिंदू पढ़ोगे तो ओपिनियन सा मिलेगा ड्राई सा सो हिंदू बिजनेस लाइन में आप सर्च मारोगे तो आपको साथ में डेटा भी मिलेगा क्या है फिगर्स फैक्ट्स दूसरा बेस्ट वे टू सर्च इज लाइव मिंट यही इशू का नाम लिखो लाइव मिंट तो जो पहला न्यूज आर्टिकल इस पे आ रहा है बस वो पढ़ो काम